हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिविजनरी टेस्ट पेपर, कौन सा आरटीपी जो इंस्टीट्यूट ने अभी अभी अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है मई 23 एग्ज़ाम्स के लिए। और जाहिर सी बात है, मैं एफआर पढ़ाता हूँ तो मैं एफआर का आरटीपी ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन इस रिविजनरी टेस्ट पेपर को शुरू करने से पहले मैं अपनी दो तीन ऑब्जर्वेशंस आपको बता देता हूँ बेटे। इस आरटीपी के दो हिस्से हैं। इस आरटीपी का जो पहला हिस्सा है वो है अमेंडमेंट से रिलेटेड, और दो तरह के अमेंडमेंट्स इन्होंने हमें बताए हैं। एक सीएसआर रूल्स में, जो सेक्शन 135 है हमारे सिलेबस में, एक छोटा सा चैप्टर हमने डिस्कस किया हुआ है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक तो उसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स हैं। दूसरा इंडियस रूल्स में अमेंडमेंट्स हैं। तो दो तरह के अमेंडमेंट्स इन्होंने आरटीपी के पहले हिस्से में डिस्कस किए हुए हैं। और दूसरा हिस्सा एज यूजुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। और आपको सबको पता है हर आरटीपी में 20 क्वेश्चन होते हैं, और ये कोशिश करते हैं हर चैप्टर को टच करने की। और मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी आरटीपी या एमटीपी हमने मिस नहीं की। मैं हर आरटीपी का डिस्कशन आपको करके देता हूँ, हर एमटीपी का डिस्कशन मैं आपको करके देता हूं, तो इसको भी हम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। मेरा बेटे दूसरा ऑब्जर्वेशन, बच्चे के दिमाग में होता है ये, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन का माहौल है, बच्चे के पास टाइम बहुत लिमिटेड है, वो अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। बच्चा कहता है सर बताओ इस आरटीपी में कुछ नया मिला आपको? तो मैं एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बता देता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप इसको खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो की रेफरेंस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार टच करूँगा। और अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे बिल्कुल ही कट कॉपी पेस्ट नज़र आ गया डिट्टो, वो मैं आपको क्लास बुक की क्वेश्चन का रेफरेंस दे दूँगा। अरे क्लास बुक क्या है सर, सारा स्टडी मटेरियल ही तो डाल रखा है हमने। क्लास बुक के अंदर कोई आलतू फालतू क्वेश्चन थोड़ा ना है, क्लास बुक के अंदर आपका सारा स्टडी मटेरियल है। तो अगर स्टडी मटेरियल का कोई क्वेश्चन इसमें रिपीट होता है, मैं क्लास बुक के क्वेश्चन के नंबर डाल के आगे बढ़ जाऊंगा। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा आपका, क्योंकि वो क्लास में किया हुआ है हमने। तो एक तो इसमें अमेंडमेंट्स है बेटे, दूसरा इसमें क्वेश्चंस हैं। अमेंडमेंट्स मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियो के आखिरी के 20-25 मिनट में। पहले मैं अपने क्वेश्चंस निपटाऊंगा इसके अंदर। करें शुरू। तीसरी बात, सारे बच्चों को पता है मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बोलता भी स्लो हूँ, लिखता भी स्लो हूँ, समझाता भी बहुत स्लो हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे पास एवरेज स्टूडेंट भी है, इंटेलिजेंट भी है, सुपर इंटेलिजेंट भी है, और बिलो एवरेज भी है। मेरे को सारे बच्चे कवर करने होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ स्लो स्पीड पे। पेन ड्राइव आप लेते हैं, पेन ड्राइव में भी आप 1.5x करके ही देखते हैं, ठीक। लोग कह देते हैं कि सर स्लो पढ़ाते हैं, तो स्लो स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। आप मेरी स्पीड को प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, जैसे पेन ड्राइव में करते हैं। अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ तो यूट्यूब पे भी आपको पता है स्पीड का ऑप्शन है, पेन ड्राइव देख रहे हैं, गूगल ड्राइव देख रहे हैं, उसमें भी स्पीड का ऑप्शन है। तो मेरी वीडियो को जहाँ भी आपको स्पीड कंफर्टेबल लगती है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, कुछ बच्चे तो 1.8 तक देखते हैं मेरे को, उनको लगता है मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, आप मुझे फास्ट करके सुन सकते हैं, लेकिन अगर मैं फास्ट पढ़ाऊँगा मुझे स्लो नहीं कर पाओगे आप। तो बेटा मेरे को आदत है अब आराम से बात समझाने की, तो स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। करें शुरू, आइए मेरे साथ। ये अमेंडमेंट्स तो बेटे मैं वीडियो के लास्ट हिस्से में आपके साथ डिस्कस करूँगा, मुझे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करने हैं अपने। और मैं आज की क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, IND AS 110। क्वेश्चन नंबर 1, IND AS 110। अब आप मुझे कहते रहते हैं कि सर आप इंस्टीट्यूट की गलतियाँ निकालते रहते हो, मैं क्या करूँ बेटे, मेरी पुरानी आदत है। लेकिन अब मैं बहुत सुधर चुका हूँ, अब मैं वही बोलता हूँ जो स्टडी मैट में लिखा हुआ है। स्टडी मैट में लिखा हुआ है 2+2=3, तो मैं 2+2=3 ही कहता हूँ। अब मैंने 4 कहना छोड़ दिया है,
पिछले दो साल से मैंने जो भी रिकॉर्डिंग करके दिए बच्चे को एज पर स्टडी मैट की किसी गलती को मैंने ठीक नहीं करा, क्योंकि फिर बच्चे टेलीग्राम पे ग्रुप्स में बोलते हैं सर के आंसर मैच नहीं करते। तो पिछले 2-2.5 साल से मैंने वो प्रैक्टिस ही छोड़ दी, गलत को सही करवाना छोड़ दिया। गलत को मैं भी गलत ही पढ़ाता हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे सर ये मुद्दा आपने कहाँ से शुरू कर लिया, क्योंकि बेटे इन्होंने हेडिंग में डाला है IND AS 110। मैं इनके इस बात से अग्री नहीं करता, ये क्वेश्चन है IND AS 103 का, इन्होंने हेडिंग गलत डाल रखी है। अब ये बात सारे बच्चे जानते हैं, RTP कर रहे हैं तो सिलेबस पढ़ चुके हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो कंसोलिडेशन है इस पे 2 IND AS लगते हैं, 103 एंड 110। 103 लगता है एक्विजिशन डेट को और 110 लगता है सब्सीक्वेंट कंसोलिडेशन पे। जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में कंट्रोल बाय करती है हम उसे कहते हैं एक्विजिशन डेट। और मैंने 103 में आपको चार तरह का एक्विजिशन पढ़ाया था, एक्विजिशन बाय नेट एसेट्स, एक्विजिशन बाय कंट्रोल, और एक था हमारा रिवर्स एक्विजिशन, और चौथा था हमारा बेटे कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शंस। चार तरीके का मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब हम बात करते हैं एक्विजिशन डेट की, तो एक्विजिशन डेट वो डेट है जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाय करती है और हम पहली बार अकाउंटिंग शुरू करते हैं, इनिशियल रिकग्निशन की बात कर रहा हूँ। तो 103 लगता है फर्स्ट टाइम एक्विजिशन, फर्स्ट टाइम कंसोलिडेशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पे, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद की अकाउंटिंग 110 हैंडल कर लेते हैं। तो एक बार होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया और आपको अपनी कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है ईयर टू ईयर, तो वो 110 देखता है। ये बात तो हमने डिस्कस की हुई है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक्विजिशन डेट की अकाउंटिंग मांगी है आपसे, और एक्विजिशन डेट की अकाउंटिंग होने की वजह से मैं कह रहा हूँ कि 103 लगेगा, 110 नहीं लगेगा, इसलिए हेडिंग गलत है इस क्वेश्चन में। लेकिन नहीं जी नहीं, ना ना ना, मैंने पंगा नहीं लेना स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चे इस बात को आजकल मानते नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर जो स्टडी मैट में लिखा है वही बताओ आप, मैं वही बता रहा हूँ, अगर 110 लिखा है तो ये 110 ही होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं स्टडी करवा रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे को करवाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने की ज़रूरत है, मैं आपको समझाऊंगा, बाकी तो बैलेंस शीट आप बना लेना। आइए ज़रा जी, मैं ज़रा क्वेश्चन आपको समझा दूँ फटाफट से। एक स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, दूसरा स्क्रीनशॉट ले लिया जी मैंने, एक और स्क्रीनशॉट लेना है जी मैंने। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं, मेरे पास व्हाट्सएप आते रहते हैं, मैं उनको सारी गाइडेंस देता हूँ कि बेटे ये होना चाहिए था, ये हो रहा है। और आजकल पेपर आपके जो है गधे चेक कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे गधे बिठा रखे हैं पेपर चेक करने वाले, जो बच्चों के नंबर टक 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 काट रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं है, आंसर मिला लेते हैं, मिल गया तो नंबर दे देते हैं, नहीं आंसर मिला तो नंबर काट लेते हैं, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए फिर मैंने भी अब जब कॉन्सेप्चुअली पेपर चेक होने ही नहीं है तो फिर हम क्यों मत्था मारें। मैं इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ बोलने को, क्योंकि मैं सर थोड़ा सा पंजाबी आदमी होने की वजह से ना रफ लैंग्वेज यूज़ कर जाता हूँ कई बार, बच्चे के साथ ना इंसाफी होती है, रिजल्ट आते इतने सारे मार्कशीट्स आते हैं, नंबर नहीं दे रखे, क्वेश्चन ही नहीं चेक हुआ, क्वेश्चन चेक हुआ उस पर नंबर अलॉट हुए टोटल में नहीं आए, बच्चे ने स्टडी मेट का आंसर भी लिख दिया फिर भी नंबर काट लिए, पता नहीं क्या चल रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान के बच्चे ही हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं पढ़ने की। करें बेटे स्टार्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाई स्पीड लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स कार्स, कंपनी का नाम है हाई स्पीड लिमिटेड, क्या बात है, गाड़ियां बनाते हैं गाड़ियां बेचते हैं। द कंपनी वॉन्ट्स टू फॉर ए इन टू द टू व्हीलर बिजनेस
कंपनी गाड़ियां बनाती है, गाड़ियां बेचती है, अब कंपनी टू व्हीलर बिजनेस में आना चाहती है, तो आ जाए, हमने हमारे थोड़ा ना पैसे लगने हैं। देयर फॉर इट एक्वायर्स 30% इंटरेस्ट इन क्विक बाइक्स लिमिटेड फॉर ₹5 लाख एज एट 1 नवंबर X1। 1 नवंबर X1 30% स्टेक। और एक बात सारे बच्चों को पता है कि 30% से तो कंट्रोल मिलने वाला है नहीं आपको ना। 30% से क्या बनेगी? एसोसिएट बनेगी। 30% से तो आपकी एसोसिएट बनेगी। और आपने शेयर खरीदे हैं 1/11 X1 को, तो ऑन द डेट ऑफ 1 नवंबर, ऑन द डेट ऑफ 30% एक्विजिशन सर, 11, ना तो 103 लगना है ना 110 लगना है, ये तो इंड एस 28 की कहानी है, क्योंकि एसोसिएट बन गई आपकी ये। 5 लाख में शेयर खरीदे हैं आपने। अच्छा, हमें क्वेश्चन आगे रीड करना चाहिए। एंड एन एडिशनल 25% स्टेक एज एट 1 जनवरी X2 ₹5 लाख एट इट्स फेयर वैल्यू। अब आ गई ना बात। अब इन्होंने 1/1 X2 को एडिशनली 25% शेयर खरीदे हैं, और वो भी ₹5 लाख के। अब मुझे बताओ कंट्रोल की डेट क्या है? कंट्रोल की डेट है 1/1 X2, क्योंकि इस दिन आपके पास 55% शेयर हो गए हैं, और आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बनती है 10 लाख। लेकिन मैं एक पॉइंट यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि क्लास में हमने किया हुआ है, और वो ये कि 1/1 X2 को हम लगाएंगे 103। ये हमारी एक्विजिशन डेट है, और एक्विजिशन डेट को सारे बच्चों को पता है क्या एंट्री पास करते हैं? एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज टू NCI टू इन्वेस्टमेंट डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक पॉइंट बताया था आपको कि अगर आप कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट डीरेकग्नाइज करते हैं, क्योंकि आपने 30% पहले खरीदे हैं, चलो 25% वाले तो आज की वैल्यू पे हैं, आपने आज ही खरीदे हैं एक्विजिशन डेट को, लेकिन जो पुराने शेयर हैं 30% इसको डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा। तो एक्विजिशन डेट को हम लगाते हैं फेयर वैल्यू मॉडल, तो सारे एसेट्स फेयर वैल्यू पे, सारी लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू पे, और इन्वेस्टमेंट को भी जब हम डीरेकग्नाइज करेंगे तो फेयर वैल्यू पे। तो आज वाले इन्वेस्टमेंट तो फेयर वैल्यू पे हैं, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टमेंट हैं इसकी फेयर वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, और नफा नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और ये जो आपका NCI है, NCI की वैल्यू के दो मेथड होते हैं, एक प्रोपोर्शनेट एक फेयर वैल्यू। प्रोपोर्शनेट को हम कह देते हैं पार्शियल गुडविल मेथड, और फेयर वैल्यू को कह देते हैं फुल गुडविल मेथड। वो तो एंटिटी की चॉइस है, बेस्ट क्या रहता है? फेयर वैल्यू। NCI को फुल वैल्यू पे दिखाओ, गुडविल को फुल वैल्यू पे दिखाओ। ये पूरा प्रोसेस आपने 103 में स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने बेटे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, रिविजनरी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंडेस पे, 103 पे, 110 पे, 28 पे, सारे इंपॉर्टेंट इंडेस शेयर किए हुए हैं, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब मुझे बताओ मेरी एक्विजिशन डेट क्या है? 1/1 X2, तो मुझे इस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए सारे एसेट्स की, सारे लाइबिलिटीज की। और मजे की बात ये देखो, आपको बैलेंस शीट बता रहा है, और वो भी आपकी सब्सिडरी की, क्विक बाइक लिमिटेड की जो सब्सिडरी आपकी 1/1 X2 की। और 1/1 X2 कौन सी डेट है जी? एक्विजिशन डेट। बस मजे लेने हैं आपने। सबसे पहले है प्लांट, इसकी फेयर वैल्यू है 7.5 लाख। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 50,000। ये सारी फेयर वैल्यूज मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे फेयर वैल्यूज चाहिए दे रखी हैं। ट्रेड पेबल्स 1.5 लाख की फेयर वैल्यू है, वो ठीक है, फेयर वैल्यू कह देते हैं, लाइबिलिटीज़ की तो पेबल वैल्यू होनी चाहिए, फेयर वैल्यू बड़ी यूनिफॉर्म तरीके से यूज़ होता है, तो ठीक है, कर लिया हमने। तो कितनी चीज़ें हैं? 1, 2, 3 और 1, 4। तीन एसेट्स हैं, एक लाइबिलिटी है। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन।
क्विक बाइक्स लिमिटेड सेल्स द मोटरसाइकिल्स अंडर द ब्रांड नेम सुपर स्टार्ट। मोटरसाइकिल बेचता है जी, ब्रांड नेम बता रहा है, विच हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 350 एज एट 11X2। मैं सोच रहा था तीन एसेट हैं, तीन एसेट नहीं है, चार हैं, चौथी एक और ऐड हो गई। कौन सी एसेट ऐड हो गई? सुपर स्टार्ट का ब्रांड वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू 3.5 लाख रुपए की ऐड हो गई जी इसमें। एक, दो, तीन और एक, चार। दिस इज अ सेल्फ जेनरेटेड ब्रांड, देयरफॉर क्विक बाइक्स लिमिटेड हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड द ब्रांड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस बैलेंस शीट में नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये सेल्फ जेनरेटेड है। सब्सिडरी के लिए सेल्फ जेनरेटेड हो सकता है, होल्डिंग तो शेयर की कीमत चुका के आ रहा है ना, तो होल्डिंग तो सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेगा, तो कंसोलिडेशन के टाइम पे हम इस ब्रांड को दिखाएंगे फेयर वैल्यू पे। हाँ, सब्सिडरी अपनी बुक्स में ना दिखाए क्योंकि उसके लिए सेल्फ जनरेटेड, हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कंसोलिडेशन करना है। फॉलोइंग इज द सेपरेट बैलेंस शीट ऑफ हाई स्पीड लिमिटेड। ये बैलेंस शीट किसकी बता रहा है? ये बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी की है सर, ये बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी की है। तो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट का क्या यूज है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब देख लेंगे। अच्छा, अभी तो इसका कोई यूज है नहीं। ये तो प्लांट प्लस प्लांट इन्वेस्टमेंट, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल प्लस ट्रेड रिसीवेबल, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, क्योंकि कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी होता है, फुल कंसोलिडेशन लाइन बाय लाइन आइटम बाय आइटम। तो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट का क्या यूज़ है? सब्सिडरी की बैलेंस शीट जोड़ के फाइनल बैलेंस शीट बनाने के काम आएगी, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, आगे पढ़ने दो। इन रिलेशन टू द एक्विजिशन ऑफ क्विक बाइक्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू, बताओ जी क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? पहली बात, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन इन अकॉर्डिंग विद 103 एज एट एक्विजिशन डेट दिस। लो कर लो बात। अब यहां हेडिंग बिल्कुल ठीक दे रखी है, ऊपर हेडिंग दे रखी है 110, नीचे कह रहा है 103 लगाओ। तो कहता है जी एंट्रीज पास करके दिखाओ बिजनेस कॉम्बिनेशन की, और एनसीआई इज, क्वेश्चन किस पे आ गया? एनसीआई पे। एनसीआई इज मेजर्ड बाय द एंटिटी एट फेयर वैल्यू, कोई बात नहीं जी, कर देते हैं फेयर वैल्यू। प्रोवाइड वर्किंग नोट्स, इग्नोर डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस एंड, आपको कहते हैं एक बैलेंस शीट भी बना, बैलेंस शीट तो आप बना लेना। आरटीपी में सॉल्यूशन में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, ए प्लस बी करना है वो आप कर लेना। क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है 103 का वो मैं आपको समझा देता हूँ, आप एक बार बात को समझिए ज़रा प्लीज़। मुझे एक बात बताइए, हमने 25% स्टेक, बेटे प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने 25% स्टेक कितने में खरीदा? हमने 25% स्टेक खरीदा 5 लाख रुपए में। कब खरीदा? 11X2 को खरीदा, 11X2 को 25% 5 लाख में खरीदा। अगर 5 लाख रुपए में खरीदा और 25% है तो बिजनेस की वैल्यू 20 लाख हुई कि नहीं हुई, बताओ। और अगर बिजनेस की वैल्यू 20 लाख है, इसके दो हिस्से हैं, 55% मेरा है, 45% सामने वाले बंदे का है जिसको एनसीआई बोल रहे हैं, तो एनसीआई की वैल्यूएशन 9 लाख रुपए हो गई, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। ये जो इक्वेशन बनाई हमने 11X2 के लिए बनाई, मैंने अगर आज 5 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं 25% के लिए, अगर मैंने आज 5 लाख के शेयर खरीदे हैं 25% के लिए, तो आज मेरे बिजनेस की वैल्यू 20 लाख हो गई, 20 लाख में 45% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 9 लाख रुपए की वैल्यू बैठती है। अब आते हैं 55% पे, 11 लाख के मेरे शेयर्स हैं, लेकिन अगर आप देखें बेटे, तो आपकी कॉस्ट बनती है 10 लाख,
5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन आज इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 11 लाख। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट को डी रिकग्नाइज करने पे आपको गेन होने वाला है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए में खरीद रखी है वो इन्वेस्टमेंट आज 11 लाख की है। तो आज जब आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को 11 लाख में डी रिकग्नाइज करेंगे, 1 लाख रुपए का गेन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये 1 लाख रुपए कहाँ से आ गया? उसका रीज़न ये है बेटे, जब हमने 5 लाख रुपए को 25% से डिवाइड किया तो बिजनेस की वैल्यूएशन आ गई 20 लाख। मानते हो इस बात को? इस 20 लाख रुपए में 30% पुराना भी है। जब 30% पुराना है तो इसकी वैल्यूएशन बनती है 6 लाख। तो जो शेयर आपने पहले कभी नवंबर में 5 लाख में खरीदे थे, आज वो 6 लाख के हैं। आज वाले तो आज की कीमत पे ही है, लेकिन पुराने वाले 1 लाख रुपए से बढ़ गए। ये गेन उसकी वजह से आ रहा है आपका। तो ये वर्किंग नोट्स क्वेश्चन आपसे मांग रहे हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स की बात करें, अगर आप इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स की बात करें, तो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, नोटिंग वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आरटीपी में आंसर दे रखा है, वो आंसर आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं आप सिर्फ आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जान नहीं है बेटे, तो मैं आपका टाइम क्यों ख़राब करूँ वर्किंग नोट बना बना के। सिंपल सी बात बताता हूँ, आप सिर्फ समझते जाओ। इसमें एक वर्किंग नोट बनना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ सब्सिडरी। ये रफ है, ये डॉक्टर्स वाली भाषा में है, ये हम ऐसे नहीं बनाते वर्किंग नोट, ये सिर्फ समझाने की लैंग्वेज में है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको बात समझ में आ जाए। हम इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर 25% एक्विजिशन, तो ये 5 लाख रुपए है। वैल्यू फॉर 100% एक्विजिशन, तो 5 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे 25% से, तो ये आ जाएगा 20 लाख रुपए। उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं एनसीआई वैल्यूएशन 20 लाख का 45%, ये हमारा 9 लाख रुपए आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू 20 लाख का 55%, 11 लाख रुपए आ जाए। इतना सा वर्किंग नोट है बस। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई, एनसीआई की वैल्यू आ गई, बिजनेस की वैल्यू निकाल दी आज की डेट के हिसाब से, 1/1x2 के हिसाब से। और अगर आपको 103 की जर्नल एंट्री पास करनी हो, तो बड़ा सिंपल सा काम है, एक्विजिशन मेथड 103। सारे बच्चों को पता है ये हमारा क्लास का प्रेजेंटेशन नहीं है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको तो पता है, लेकिन अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, तो यार सर तो डॉक्टर वाली भाषा में लिखते हैं, सर तो ढंग से आंसर ही नहीं कराते। वो क्लास का प्रेजेंटेशन हमारा बिल्कुल स्ट्रांग रहता है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के अंदाज में है, क्योंकि आरटीपी में क्वेश्चन कोई है ही नहीं दमदार। इसलिए मैं आपको आंसर सेल्फ रेफर करने के लिए कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में पढ़ने में दिमाग ना लगे आपका। तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। बताओ जी क्या क्या वैल्यू है। 7.5 लाख का प्लांट है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 50,000 के ट्रेड रिसीवेबल हैं, 3.5 लाख का ब्रांड है, 7.5 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है जी, 5 लाख का ये है, 50,000 रुपये का ये है, 3.5 लाख रुपये का ये है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनके पास, और क्या है, 50,000 रुपये का ट्रेड रिसीवेबल है, अच्छा और क्या है, ब्रांड है, अच्छा और क्या है, ट्रेड पेबल है, कितने के, 1.5 लाख के, और क्या है, एनसीआई है, कितने का, 9 लाख का। वर्किंग नोट 1 की रेफरेंस दे देना। 2 इन्वेस्टमेंट 10 लाख, 5 लाख की पहले खरीदी थी, 5 लाख की बाद में खरीदी थी, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नज़र भी आ रही है। 2 P&L 11 लाख माइनस 10 लाख। प्रेजेंटेशन सारे बच्चों को पता है, प्लीज़ आप कर लेना, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ,
और वो भी सिंपल भाषा में। अच्छा जी, फिर क्या रह गया, बस टोटल लगाना रह गया, 20 और 21.5, 5 लाख की गुडविल आ गई, बैलेंसिंग फिगर बीइंग बिजनेस एक्विजिशन मेड। लो जी, अंडर एक्विजिशन मेथड एज पर इंडियाज 103, वो जो आप लिखते हो पूरा चमका चमका के पेपर में लिख के आना। ये जो डॉक्टरों वाली भाषा है, ये सिर्फ समझाने वाली भाषा है, ये लिखने वाली भाषा नहीं है बेटे। है कोई मुश्किल काम बताना मुझे ज़रा। बस अब क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो प्लांट प्लस प्लांट इन्वेस्टमेंट, डेटर प्लस डेटर, क्रेडिटर प्लस क्रेडिटर, ये इंटेंजिबल एक्स्ट्रा में आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं बेटे, ये लो। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट स्टडी करनी पड़ेगी। मैं आपको मेन पॉइंट चेक करा देता हूँ इसके अंदर। ये देखो, प्लांट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, ब्रांड डेबिट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, दिस दिस दिस, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने पड़ी है सर। और ये वर्किंग नोट्स हैं। पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू बनाई है, 5 लाख, 6 लाख, 11 लाख, 10 लाख माइनस कर दिए, 1 लाख का गेन आ गया। वो तो इंस्टीट्यूट की पुरानी आदत है, सीधा कान पकड़ना नहीं, ऐसे घुमा के पकड़ेंगे। 5 लाख की वैल्यू 25% के लिए, बिजनेस की वैल्यू 20 लाख, वहां से सारी वैल्यूएशन निकल गई आपकी। बस इसके बाद क्या करना है, कंसोलिडेशन है जी आपका, बैलेंस शीट बनानी है आपने। और अगर बैलेंस शीट बनानी हो, ये होल्डिंग की बैलेंस शीट है, इसमें 7.5 लाख ऐड हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल ही हो गई आपकी, पर इसकी जगह एक नई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड जो आपने सब्सिडरी से लिए, इसमें 50,000 ऐड हो जाएंगे। कैश तो 5-20 ही रहेगा, इसमें 1.5 लाख ऐड हो जाएंगे। इसमें 1 लाख का जो गेन अभी आया था P&L वाला, वो ऐड हो जाएगा। तो बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है। एक ब्रांड ब्रांड वैल्यू है 3.5 लाख की, वो अलग से आ जाएगी इसमें, बना लेना वर्किंग नोट्स। इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं हमने, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा जी बेटे, मैं आपको लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। ये तो हो गया बेटे, सिंपल था काम। जैसे मैं IndAS 2 की बात करता हूँ, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि IndAS 2 बेसिक IndAS में आता है सर, इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन से रिलेटेड है। और हमने क्लास में एक मेथड स्टडी किया था, रिटेल वैल्यू मेथड। रिटेल वैल्यू मेथड शायद आपको याद हो, हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात की थी कि उनके पास नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, फिजिकल वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी बिजनेसेस में रिटेल में माल बिकता है और नंबर ऑफ आइटम्स और वैरायटी ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, फिजिकल वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, तो वो रिटेल वैल्यू मेथड में एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल सकते हैं। और हमने रिटेल वैल्यू में एक मेथड अप्लाई किया था वेटेड एवरेज, और दूसरा अप्लाई किया था फीफो, और मैंने बोला था चॉइस आपकी है। रिटेल वैल्यू में वेटेड एवरेज और फीफो दोनों इस्तेमाल होते हैं, चॉइस आपकी है, वो क्वेश्चन इसमें आ गया। और फिर मैंने बोला था वेटेड एवरेज को प्रेफर करेंगे। ये देखिए जरा, एन एंटिटी हैज फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग कॉस्ट। हमारी बुक में ये क्वेश्चन 2-3 बार दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूं ताकि चलो कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो जाएगा। एंड रिटेल प्राइस, ये रहा जी रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स परचेज्ड एंड अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, उसकी कॉस्ट भी है, उसकी रिटेल वैल्यू भी है। हमारे पास परचेज है, उसकी कॉस्ट भी है, रिटेल वैल्यू भी है। इन्वेंट्री ऑन हैंड है, पक्की बात है क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेकिन हमें उसकी रिटेल वैल्यू बता रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक की अगर आपको रिटेल वैल्यू बता रहे हैं,
तो इसकी जो कॉस्ट है वो हमें निकालनी है सर। तो कोई बात नहीं, चुटकियों का काम है, रिटेल वैल्यू हमें आता ही है। एक हमें बता रहे हैं सेल्स फॉर द पीरियड, 19,000 की सेल है ये, चेक करें। 8,000 की रिटेल वैल्यू है ओपनिंग, 34,000 की रिटेल वैल्यू है परचेज वाली, और इसमें से 19,000 का माल बेच दिया तो ये बनता है 42। 42 में से 19 का माल बिक गया, 23,000 का क्लोजिंग स्टॉक है क्या? है जी, फिगर्स वेरीफाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है हमें? क्वेश्चन ये कहता है, अप्लाइंग द रिटेल मेथड कंप्यूट द फॉलोइंग। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस, उत्तरी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस, कॉस्ट का और रिटेल का आपस में परसेंटेज बताना है। अगर मैं लगाता हूँ वेटेड एवरेज, मैंने क्लास में दोनों बताए हुए हैं, मैं दोनों से बता देता हूँ आंसर। अगर हम वेटेड एवरेज की बात करें तो इसकी कॉस्ट बताइए कितनी बनती है, 6,250 प्लस 19,500, 25,750, ये मेरी कॉस्ट है। और मेरी रिटेल रिटेल वैल्यू कितनी है टोटल, 42। तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी जो कॉस्ट है वो रिटेल वैल्यू का कितने परसेंट है। पच्चीस हजार सात सौ पचास डिवाइडेड बाय 42,000, तो ये आ गया 61.31%। और अगर मैं लगाता हूँ फीफो, तो फीफो में फिर हम सिर्फ ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते ना, परचेज वाला लेते हैं, वैलिड दोनों हैं। ये बनता है 57.35। आंसर में फ़र्क तो आएगा ही अगर आप मेथड का चुनाव अलग अलग करेंगे तो। और मैंने क्लास में बताया था एक पॉलिसी सिलेक्ट कर लो, इधर वेटेड एवरेज और फीफो, एंड द सिलेक्टेड पॉलिसी शुड बी अप्लाइड फॉर शुड बी अप्लाइड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। एक पॉलिसी चूज कर लो, वेटेड एवरेज करो या फीफो, लेकिन फिर आगे वही लगेगी। और अगर आपने चेंज किया तो फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे और इंड एस एट लगा के रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट लेके आएंगे। आरटीपी में जो आंसर है वो वेटेड एवरेज से गिवन है, कोई बात नहीं। अगर आप फीफो लगा देंगे तब भी आपको नंबर मिलने चाहिए क्योंकि दोनों अलाउड हैं। चलो हम वेटेड एवरेज से बना लेते हैं। पता लग गया जी कितने परसेंट है रिटेल वैल्यू का, हमारी जो कॉस्ट है वो 61.31% है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए ज़रा। ये रहा जी क्लोजिंग स्टॉक 23,000 रुपये का, ये रिटेल वैल्यू है, इसका 61.31% कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी कॉस्ट ऑफ सेल बताएंगे ज़रा, मैं ज़रा इसकी कॉस्ट निकाल दूँ, 14,000, 14,101, ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई है। क्वेश्चन कह रहा है जी कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक बताइए कितना है, 6,250, परचेज कितनी है 19,500, क्लोजिंग स्टॉक है 14,101, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी आपकी 6,250, 19,500 माइनस 14,101, 11,649 रुपये, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। और क्वेश्चन कहता है जी प्रॉफिट बताएंगे क्या सेल पे, ये मेरी सेल है, इसमें से माइनस कर लो 11,649 की कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। ये क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन कहते हैं। अगर ये पेपर में आ गया तो फिर तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे, मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चे पास हो जाएं। और एक सुनहरी भविष्य आपका इंतज़ार कर रहे हैं सर। टीचर क्या चाहता है, अपने बच्चों की तरक्की चाहता है और कुछ नहीं चाहता। आपको लाइफ में राइज करते हुए सिर्फ दो लोग हैं जो कभी भी आपसे जेलसी नहीं करेंगे, कभी भी आपको देख के मुंह नहीं बनाएंगे, कभी भी आपको देख के मतलब मन में, वो कहते हैं ना एक कि जब किसी को तरक्की करते हुए देखते हैं, ये एक आदमी की एक नेचुरल एक फीलिंग है, भगवान ने डाल के भेजा ऊपर से जेलसी। दो दोस्त होते हैं, एक आगे निकल जाता है एक पीछे रह जाता है। सर मैं आप जितना मर्जी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, अंदर कुछ और चल रहा होता है, ये बात प्रैक्टिकल है। तो सिर्फ दो लोग हैं जो आपको देख के कभी भी जलेंगे नहीं, हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि आप और आगे जाओ।
एक तो आपके पेरेंट्स माँ बाप, और दूसरा आपके टीचर्स। बाकी दुनिया में कोई भी है वो सर, वो आपको आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं होना। ये दो लोग खुश होते हैं हमेशा। अगर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ, सीएफओ और ये बन के बैठे हैं, तो हमारे लिए फख्र की बात है, प्राउड की बात है। चलें जी आगे। मैं आ गया बेटे, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी करा लिया, आंसर देख लेना सेम है सर, आंसर आप देख सकते हैं सेम है। ये मैं आपको बाद में कराता हूँ। लो जी, मैं 102 में आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, बच्चों वाला क्वेश्चन। ये रहा इसका आंसर। INDS 102 का ये जो क्वेश्चन RDP में आया है, ये क्यों दिया है इन्होंने मुझे नहीं पता। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन रीड करा देता हूँ, काम की बात बता देता हूँ है क्या इसके अंदर। 1 अप्रैल X0 को एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम एंटिटी ए प्रोविजनली अवार्ड्स इट्स सेल्स एम्प्लॉयज 1,000 शेयर्स रिसीवेबल ऑन March X3। मैं अगर एक टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं खड़ा हूँ 1 1 नहीं 1 4 X0 को, और शेयर मिलने वाले हैं 31 मार्च X3 को। तो पहला साल एंड होगा March X1 को, दूसरा साल एंड होगा March X2 को, तीसरा साल एंड होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेस्टिंग कंडीशन 3 साल की है। और कितने शेयर्स दिए? 1,000 शेयर्स की बात चल रही है सर। प्रोविजनली का मतलब अभी फाइनल नहीं है, अगर कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह लेफ्ट होंगे वो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, इसलिए प्रोविजनली वर्ड यूज ही करो। एक्सप्लेन दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दी अबव शेयर बेस्ड अवार्ड्स बेस्ड ऑन दी सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंडीशन दैट सेल्स एम्प्लॉय मस्ट रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट अंटिल। आ गई ना बात? कंडीशन क्या बता रहे हैं? एम्प्लॉय को जॉब में रहना पड़ेगा अंटिल March X3। वेस्टिंग कंडीशन है सर्विस कंडीशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 साल तक जॉब में रहो, शेयर ले जाओ। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं? दी एंटिटी एस्टिमेट्स दैट ऑन 1 अप्रैल X0 इट्स शेयर्स आर वैल्यूड एट 10 ईच एंड दी ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10। ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू भी 10 रुपये है। अब इस क्वेश्चन में मुझे एक्सरसाइज प्राइस नजर नहीं आ रहा, एक्सरसाइज प्राइस इज निल। तो अगर आपको लॉस निकालना है तो फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, फेयर वैल्यू इज 10, ये 0, तो सारा ही लॉस है। इसका मतलब जब आप पैसे ले ही नहीं रहे, कोई एक्सरसाइज प्राइस है ही नहीं, तो आपका लॉस तो 100% है। तो जो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है वही आपकी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बन गई, वही लॉस है आपका, आपने पैसे लिए ही नहीं उनसे, एक्सरसाइज प्राइस इज 0। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी? एंटिटी ए प्रिपेयर्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस दिस दिस। सबसे पहले इनको 1 अप्रैल को लगता है कि 800 शेयर ही वेस्ट होंगे। हम अकाउंटिंग यहां नहीं करते, हम अकाउंटिंग यहां करते हैं, हम अकाउंटिंग यहां करते हैं, हम अकाउंटिंग यहां करते हैं। इस लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं है। क्यों? ये एस्टिमेशन 31 मार्च का नहीं है, 1 अप्रैल का है। हम अकाउंटिंग 1 अप्रैल को करते नहीं, हमने कभी आज तक SBP रिजर्व की एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर पास की है? एट द एंड ऑफ ईयर पास होती है। तो 1 अप्रैल को क्या लगता है हमने क्या लेना? हमें 31 मार्च की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 31 मार्च की इंफॉर्मेशन के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ, एट द एंड ऑफ 1st ईयर। हाँ,
ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। बताओ इनको क्या लगता है कितने शेयर वेस्ट हो जाएंगे? 780, 780, 780 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, 2600 रुपये आ गए जी। लो एंट्री मार लो, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू SBP रिजर्व। अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ, 780 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, तो 2600 रुपये आ गए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक साल और निकला, अब इन्हें लगता है कि 750 होने चाहिए। अच्छा मैं यहाँ आ गया, 750 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 माइनस 2600, तो 2400 आंसर आ गया। अब कोई बच्चा बोले सर ये क्या कर रहे हो, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। सर 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, 1 से गुना कर रहे हो, 2 से गुना कर रहे हो? RTP चल रही है, कॉन्सेप्ट नहीं चल रहे। अच्छा तीसरा, 750 शेयर वेस्ट हो गए हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टिल एम्प्लॉयड। 750, अच्छा 750, तो 750 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 माइनस 2600 पहले साल में, 2400 दूसरे साल में, तो यहाँ पे 2500 बनते हैं। ये कोई मुश्किल काम है बेटे, 3 एंट्रियाँ डालनी हैं, पहले साल 2600 की, फिर 2400 की, फिर 2500 की। ये देखो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, एंट्री आपको आती है। आप एक एक एंट्री और करके दिखा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉई, एक एक एंट्री डालिए, एक एक एंट्री आप और डाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन है। अगर आप अगले पेज पे आंसर देखें, ये पहला साल 780 शेयर्स इंटू 10 डिवाइडेड बाई 13, फिर 2/3 लेस कर देंगे, फिर 3/3, फिर माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन है बेटे, मजाक किया हुआ है क्या? ऐसे क्वेश्चन तो मैं सी एंटर में एक्सपेक्ट ना करूं। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए ना। अच्छा पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा पेंडिंग है अभी, चौथा हो गया, पांचवा पेंडिंग है अभी। लो जी सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बेटे, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इस पे लगाओ टिक इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कैलकुलेशंस पे आपको डेट्स पे पकड़ बनानी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड मार्च X1, मार्च X2 एंड मार्च X3, आपसे क्वेश्चन ने 3 फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग मांगी है, X0 X1, X1 X2 एंड X2 X3। कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट दैट LT लिमिटेड इज परमिटेड टू कैपिटलाइज एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। आपको बोरोइंग कॉस्ट पूछ रहा है जितनी वो कैपिटलाइज कर सकता है। तो मेरे को एक्सपेंस का भी हिसाब रखना पड़ेगा, मेरे को जनरल बोरिंग का भी हिसाब रखना पड़ेगा। मैंने आपको Ind AS 23 में 2 तरह के बोरिंग्स बताए थे, जनरल और दूसरा था स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में तो कोई क्लेश ही नहीं है, स्टडी मेट कहता है स्पेसिफिक बोरिंग में ना इधर देखो ना उधर देखो, जिस तारीख से आपने लोन लिया है वहाँ से कैपिटलाइजेशन चालू। ना आपने एक्सपेंडिचर की डेट देखनी है, ना एक्सपेंडिचर की अमाउंट देखनी है, ना आपने पीरियड चेक करना है। स्पेसिफिक बोरिंग में आपने सारा ब्याज कैपिटलाइज करना है आफ्टर एडजस्टिंग टेम्परेरी इनकम फ्रॉम द आइडल फंड्स। आपने स्पेसिफिक बोरिंग का टोटल ब्याज निकाला, उसमें से टेम्परेरी इनकम माइनस करी, नेट बोरिंग कॉस्ट आ गई, कैपिटलाइज कर लो टिल द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ एक्टिविटीज। जब तक आपकी एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती सारा ब्याज कैपिटलाइज करते रहो, कोई कंडीशन ही नहीं है। स्पेसिफिक बोरिंग में तो ये बोला इन्होंने,
और मैंने बड़ा झगड़ा किया था आपके साथ कि ये ऐसा नहीं होता, स्टडी मैट में दे रखा है, ठीक है कर रहा हूँ मैं, आत्मा बोझ है, कर लो 4-5 क्वेश्चन स्टडी मैट के, स्पेसिफिक बोरिंग हो जनरल बोरिंग हो कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, पर आजकल स्टडी मैट में स्पेसिफिक बोरिंग में कोई कंडीशन नहीं है, तो हमने भी नहीं मानी। लेकिन जनरल बोरिंग में एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए, बोरिंग कॉस्ट एक्चुअल होनी चाहिए, एक्टिविटीज शुड रिमेन इन कॉन्टिन्यूएशन, वो 50 तरह की कंडीशन है, याद है ना सारी बात। देखो क्वेश्चन कहता क्या है, मैं इसमें एक्सपेंडिचर की एक टाइमलाइन ड्रॉ करूंगा, मैं इसमें एक्सपेंडिचर की एक टाइमलाइन ड्रॉ करूंगा। मेरे पास एक तो फिनेंशियल ईयर है X0 X1, एक मेरे पास फिनेंशियल ईयर है X1 X2, और एक मेरे पास फिनेंशियल ईयर है X2 X3। फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, फाइनेंशियल ईयर 3, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा मैं लिखता जाऊंगा। सबसे पहले एलटी लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, बिल्कुल जी क्वालिफाइंग एसेट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे टाइम लगेगा, क्वालिफाइंग एसेट है। द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अबाउट 18 मंथ्स फ्रॉम 1 जन टू 30 जून। 1 जनवरी X1 से लेके और 30 जून X2 तक काम चला है 18 महीने, मैंने बिल्कुल पढ़ लिया जी। दी बिल्डिंग मीट्स द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, सारे बच्चों को एक बात तो पता है ना, सारे बच्चों को एक बात तो पता है ना कि जो इंड एस 23 है वो सिर्फ और सिर्फ WIP स्टेज पे लगता है। WIP स्टेज का मतलब जब तक आपका काम चल रहा है, जब तक आपकी क्वालिफाइंग एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती तब तक इंड एस 23 लगेगा, काम शुरू होने से पहले, काम खत्म होने के बाद। जय श्री राम, इंड एस 23 में हम बात ही नहीं करते, काम शुरू होने से पहले, काम खत्म होने के बाद, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ एक्टिविटीज शुड रिमेन इन कॉन्टिन्यूएशन, तो 18 महीने काम चला है तो 18 महीने की एक्टिविटीज हैं। फिर एक कंडीशन थी इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, जब तक आप इंटरेस्ट खर्च नहीं करेंगे तब तक कैपिटलाइज नहीं कर सकते, मतलब नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। नोशनल का मतलब अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं, अपने इक्विटी फंड्स लगा रहे हैं, उस पर कोई कैपिटलाइजेशन नहीं मिलता, अगर आप बोरोड फंड लगाएंगे तभी कैपिटलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि बोरोड फंड करेंगे हम तो थर्ड पार्टी से करेंगे, शेयर होल्डर और कंपनी की बात नहीं होती, थर्ड पार्टी आ जाती है, फिर हम उसको ब्याज भी देते हैं, तो इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअली इनकर्ड, पढ़ा था ना हमने, हम अपने फंड्स पे नोशनल कॉस्ट निकाल के नहीं लगा सकते, अलाउड नहीं है। और एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड, सारी बातें क्लास में वन बाय वन वन बड़े प्यार से पढ़ाई थी बेटे मैंने आपको। देखो क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं, 1 जनवरी X1 हमने 5 करोड़ खर्च किए हैं, ये शुरू होता है जी 1/4 से और ये खत्म होगा 31 मार्च को, 1/4 X0 से शुरू होगा और 31 मार्च X1 पे खत्म हो जाएगा। इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है 1/1 X1 को और वो भी 5 करोड़ रुपए। तो अगर आप देखें तो करंट ईयर में इस पे लगने चाहिए 3 महीने, क्योंकि काम 3 महीने चला है। पहली कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, मैं अगली कैलकुलेशन में आ गया। 30 जून X1 20 करोड़ रुपीस। अब ये मेरा 1/4 भी है और ये मेरा 31 मार्च है X2 का। और क्वेश्चन मुझे कहता है 30 जून X1 को मैंने लगाए हैं 20 करोड़, 5 करोड़ मेरे यहां लगे हुए,
जो 5 करोड़ पिछले साल में खर्च हुए थे वो पिछले साल में तो 3 महीने के लिए एक्टिविटीज़ थी, अब वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा 5 करोड़ का है, न्यू एक्सपेंडिचर मेरा 20 करोड़ रुपए का है। तो अगर मैं टाइम फैक्टर लगाना चाहूँ तो इस पे तो लगता है टाइम फैक्टर 12 महीने का, और इस पे लगता है टाइम फैक्टर 9 महीने का। मैं आपको एक्सपेंडिचर का पीरियड बता रहा हूँ, 1-4 को जो बैलेंस है 5 करोड़ का, इस पे 12 महीने का टाइम फैक्टर, और जो 30 जून को मैंने पैसे खर्च किए हैं, अप्रैल में जून निकल गया, उस पे 9 महीने का टाइम फैक्टर। तो 20 करोड़ का 9 और 5 करोड़ का 12 मेरे को बिल्कुल ध्यान में है। तो मेरे जो समरी बनेगी वो ये 5 × 3/12, इसकी जो समरी बनेगी वो ये 5 × 12/12 और 20 करोड़ × 9/12, ये इन्फॉर्मेशन सामने नज़र आ रही है मुझे। अब ये बन गया 1-4x2, और मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है वो 25 करोड़ आ गया। 25 करोड़ क्यों? जो पिछले साल में 20 करोड़ खर्च किए थे वो 5 में जुड़े होंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस 25 का था, 25 का ओपनिंग है। और मुझे क्वेश्चन कहता है 31 मार्च x2 को इन्होंने 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अच्छा, 20 करोड़ रुपए यहां भी खर्च हुए हैं, इस पे टाइम फैक्टर 0/12, 20 करोड़ का 0/12। साल के आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन पैसा खर्च करोगे तो उस पे टाइम फैक्टर थोड़ा ना लगेगा। तो मैं सोच रहा था मेरा ओपनिंग बैलेंस 25 करोड़ का है, नहीं, मेरा ओपनिंग तो 45 का हो गया। 1-4 को मेरा ओपनिंग बैलेंस 45 करोड़ का है, तो 5 करोड़ ओपनिंग है, 12 महीने, ये 30 जून को हुए, 9 महीने, ये आखिरी दिन हुए, तो 0 भाई, आखिरी दिन थोड़ा ना टाइम फैक्टर होता है भाई। 45 करोड़ रुपए का मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया। मैं क्वेश्चन आगे रीड करता हूँ, 30 जून को 5 करोड़ रुपए और खर्च हो गए हैं, 30 जून को 5 करोड़ रुपए और खर्च हो गए हैं। तो 45 और 5 50, लेकिन एक बात बताइए, 30 जून एक्स डेट, ये कौन सी डेट है? ये सेसेशन की डेट है। क्या इसके आगे का ब्याज कैपिटलाइज हो सकता है? इसके आगे का ब्याज तो कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, ये जो 45 करोड़ है इस पे 3 महीने का फैक्टर लगेगा, अप्रैल मई जून, और इस पे 0/12, क्योंकि 30 जून के आगे तो आप जा ही नहीं सकते ना, उसके बाद तो फिर काम ही खत्म हो गया। 30 जून x2 लास्ट डेट है आपकी। तो ये आपको एक्सपेंडिचर की पूरी डिटेल मैंने समझा दी है। यहाँ पे 5 करोड़ लगे, फिर 5, 20 और 20 लगे, यहाँ पे फिर 5 लगे, ये मैंने एक्सपेंडिचर सारा स्टडी कर लिया। मेरे हिसाब से क्लास में जितने क्वेश्चन किए हैं हमने, ये टाइमलाइन को नई नहीं है आपके लिए, और टाइम फैक्टर भी कोई नया नहीं है। मुझे क्वेश्चन आगे रीड करना चाहिए, मुझे क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ऑन 1 जुलाई x1, ये कौन सी डेट है? एलटी लिमिटेड इशूड 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ 50 करोड़, ये क्या हुआ? ये वाली डेट यहां पे डिबेंचर इश्यू हुए? उत्तरी, यहां पे डिबेंचर इश्यू हुए, इसका मतलब ब्याज आना ही यहां से शुरू हुआ है। इसका मतलब 25 करोड़ रुपए, ये जो 25 करोड़ रुपए हैं, 25 करोड़ हैं, ये डिबेंचर इश्यू होने से पहले ही खर्च हो गए। ये तो पैसा उधार लेने से पहले ही खर्च करके बैठे हैं, इसका मतलब अपने फंड्स यूज किए होंगे, इसका मतलब कोई बोरिंग कॉस्ट खर्च ही नहीं की होगी। कोई बोरिंग कॉस्ट जब खर्च ही नहीं हुई तो मैं कैपिटलाइज क्या करूंगा? तो मेरी तो ये सारी कैलकुलेशन बेकार हो गई। वो तेरी, अच्छा यहां पे ब्याज बनता ही नहीं, और यहां पे ब्याज बनता है तो
एक जुलाई एक्स वन से बनता है। मैंने 50 करोड़ के डिबेंचर इशू किए हैं और वो भी 1/7x1 को। इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्चुअल होनी चाहिए, तो वो तो 1 जुलाई x1 से आई है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ये तो। दी प्रोसीड्स फ्रॉम द डिबेंचर्स फॉर्म पार्ट ऑफ कंपनीज जनरल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग नहीं, जनरल बोरिंग है, विच इट यूजेस। प्लीज केयरफुली पढ़ना, ये क्या इसका यूज बता रहे हैं। टू फाइनेंस, इसको यूज किया गया फाइनेंस करने में, दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट बिल्डिंग, इसको बिल्डिंग में यूज किया इन्होंने, ठीक है। एलटी लिमिटेड हैड नो बोरिंग्स जनरल और स्पेसिफिक बिफोर 1 जुलाई x1। मेरे पास पहले कोई लोन नहीं था, तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। जब एक्चुअल इंटरेस्ट ही नहीं, तो मैं कैपिटलाइज भी नहीं करूंगा टिल 1/7x1। 1 जुलाई x1 तक तो बेटे कोई बोरिंग कॉस्ट ही नहीं है, तो कैपिटलाइज क्या करेंगे। डिड नॉट इनकर एनी बोरिंग कॉस्ट बिफोर दैट डेट, जो मैं कहता जा रहा हूँ वो लिखता जा रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी। एलटी लिमिटेड इनकर्ड 25 करोड़ ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिफोर ऑप्टेनिंग जनरल बोरिंग ऑन 1/7x1, प्री बोरिंग एक्सपेंडिचर एंड 25 करोड़ आफ्टर ऑप्टेनिंग पोस्ट बोरिंग एक्सपेंडिचर। इसका मतलब समझते हो बेटे, 1 जुलाई x1 तक 25 करोड़ रुपए मैंने अपने यूज किए हैं, अपने 1/7x1 तक, 1 जुलाई x1 तक 25 करोड़ रुपीज हैव बीन यूटिलाइज्ड फ्रॉम ओन फंड्स, अपने अपने फंड यूज किए हैं, तो नोशनल इंटरेस्ट मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता। लेकिन फिर इन्होंने इस डेट को 50 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, तो इनको पैसे की ज़रूरत होगी, तो इन्होंने 50 करोड़ रुपए जो बोरिंग, जो प्री बोरिंग एक्सपेंडिचर है उसको भी फाइनेंस किया, और जो पोस्ट बोरिंग एक्सपेंडिचर है उसको भी फाइनेंस किया। मतलब यहाँ तक तो अपना पैसा यूज़ किया, इसके बाद इन्होंने इस 25 करोड़ रुपए को बोरिंग्स पे शिफ्ट कर दिया। लोन लेने से पहले जो 25 करोड़ खर्च हुए थे वो अपनी जेब से हुए थे, फिर इन्होंने लोन ले लिया, तो फिर 25 करोड़ रुपए इन्होंने चेंज कर दिए, अपना पैसा निकाल लिया और लोन का लगा दिया। ये देखो, अगर आप देखें तो 45 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस था, 5 करोड़ और खर्च हुए हैं, तो टोटल 50 करोड़ रुपए यूज किए हैं इन्होंने। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर आप ब्याज कैसे कैपिटलाइज करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं x0 x1 की बात करता हूँ, नो कैपिटलाइजेशन कैन बी मेड बिकॉज देयर वॉज नो बोरोड फंड्स। इसमें तो कोई कैपिटलाइजेशन बनता ही नहीं, ठीक है जी। मैं आ गया x1 x2 में, एक चार 30 जून, 31 मार्च, 5 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस था, 20 करोड़ रुपए हमने खर्च किए थे, 20 करोड़ रुपए मैंने यहाँ खर्च किए थे। 31 मार्च को नो कैपिटलाइजेशन, क्योंकि ब्याज बनता ही नहीं। इन दोनों पे 25 करोड़ इंटू 10% इंटू 9/12 आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। ये 1/4 को मेरा ओपनिंग बैलेंस ज़रूर है, लेकिन मेरे पास कोई लोन ही नहीं है। 1/4 को 30 जून को मैंने खर्च किए हैं, मेरे पास कोई लोन ही नहीं है। मेरा लोन आया है 1/7 को, तो 1/7 से 31 मार्च तक 9 महीने का ब्याज मेरा एक्चुअल बनता है, मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने फंड्स को बोरोड फंड के साथ स्विच ओवर कर दिया। तो 25 करोड़ का 10% 9/12, तो 1.8750 आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगली बार क्या हुआ, x2 x3, मेरा ओपनिंग बैलेंस है 45 करोड़ का, और एक मेरे पास डेट है 30 जून को 5 करोड़ का, 0, काम पूरा हो गया,
जिस दिन काम पूरा हुआ है उस दिन मैंने खर्च किया है तो ज़ीरो, लेकिन 45 करोड़ का 10% 3 महीने का ब्याज आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने काम चला है, तो 1.125 ये आंसर आए। ये क्वेश्चन है ये आपका। और इस क्वेश्चन में 25 करोड़ रुपए जो लोन लेने से पहले वाले थे उस पर कोई ब्याज नहीं बनता, लेकिन जब इन्होंने फिर अपना प्री बोरिंग एक्सपेंडिचर को रिप्लेस किया लोन के साथ, अपना पैसा निकाल लिया और लोन का डाल दिया, तो ब्याज का कैलकुलेशन चालू हो गया। ये क्वेश्चन था जी इसमें। अगर आप इसमें आरटीपी का आंसर देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटे, कुछ खास आंसर है नहीं। ये देखो नील एक्स जीरो एक्स वन, फिर हम एक्स वन एक्स टू में आएंगे, 9/12 9/12 नील 1.875 है ना। और फिर अगर हम तीसरे में जाएंगे, इसको इकट्ठा ही कर लेते, 45 करोड़ ओपनिंग बैलेंस है, 3/12 3/12 3/12 इस पर नील 1.125। ये क्वेश्चन है जी आपका। 3 बार स्टेटमेंट बनानी थी लोन के साथ, पेपर में सिर्फ ये लिखना था नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, सो वी हैव नॉट कैपिटलाइज्ड एनी इंटरेस्ट इन द पीरियड ऑफ एक्स जीरो एक्स वन। फिर नेक्स्ट ईयर में आते ही एक्स वन एक्स टू में नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज, सो वी कैन नॉट कैपिटलाइज इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स बिकॉज देयर वर नो बोरोइंग्स, बट देयर आफ्टर वी हैव अ बोरोइंग ऑफ 50 करोड़, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज 25 करोड़, सो वी आर कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट ऑन 25 करोड़ रुपीज। इतनी सी बात है। अच्छा जी सर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, जो पेंडिंग है मुझे पता है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 115 ये नहीं मुझे कराना, क्यों? ये होमवर्क में क्लास बुक का एक क्वेश्चन नंबर 56 है, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 56 है, उसको पढ़ लेना, जिसमें एलिवेटर्स वाला क्वेश्चन है अपना। इन्होंने एलिवेटर्स को एसी कर दिया है बस, बाकी क्वेश्चन सेम है। एलिवेटर्स का एयर कंडीशनर बना दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 56 आपने पढ़ा हुआ है, प्लीज़ आप रेफर कर लेना। इंडिया 16 डी कमीशनिंग कॉस्ट अगर आप बच्चों ने डी कमीशनिंग कॉस्ट को ध्यान से पढ़ाओ, तो हम डी कमीशनिंग कॉस्ट को रीस्टोरेशन कॉस्ट मानते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट मानते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मानते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसे कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपके पास कोई एयरक्राफ्ट है, कोई क्रूज़ है जिसको आपको एक्सपायरी के टाइम पे डिसमेंटल करना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट की लाइफ है 20 इयर्स, क्राफ्ट उड़ना बंद हो गया, अब उसको रनवे पे थोड़ा ना छोड़ देंगे हम, डिसमेंटल कराओ। क्रूज़ को हम समंदर में थोड़ा ना छोड़ देंगे लाइफ एक्सपायर होने के बाद, उसको डिसमेंटल कराओ। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का हम आज प्रोविज़न बना लेते हैं और उसको पीपीई की कॉस्ट में डाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, और फिर जो प्रोविज़न हमने बनाया उस पर अनवाइंडिंग कॉस्ट हर साल इंटरेस्ट टू प्रोविज़न करते रहते हैं और अनवाइंडिंग कॉस्ट से उसको बढ़ाते रहते हैं, लास्ट में आके प्रोविज़न टू बैंक कर देते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर मैंने आपको चेंज इन डी कमीशनिंग कॉस्ट भी बताया था कि अगर आपका कॉस्ट मॉडल है और डी कमीशनिंग कॉस्ट में चेंजेस आते हैं तो पीपीई में प्लस होंगे, पीपीई में माइनस होंगे। अगर आपका रीवैल्यूएशन मॉडल है तो डी कमीशनिंग कॉस्ट में जो परिवर्तन आएगा आरआर में प्लस होगा, आरआर में माइनस होगा। बताई थी ना पूरी बात। ये क्वेश्चन है चेंज इन डी कमीशनिंग कॉस्ट का। कंपनी एक्स बिल्ट अ न्यू प्लांट दैट वाज ब्रॉट इनटू यूज 1st April X1। The cost to construct the plant was 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का प्लांट है जी हमारा, बहुत बड़ी बात है जी।
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 20 ईयर्स, 20 साल की इसकी लाइफ है। बहुत बढ़िया जी। द कंपनी एक्स अकाउंट्स फॉर द प्लांट यूजिंग कॉस्ट मॉडल, मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट मॉडल है। फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी, द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इंक्लूडेड, इसमें क्या इंक्लूड है? 10 लाख रुपए इंक्लूड हैं जो कि डीकमीशनिंग कॉस्ट के थे, ठीक है। 1.4 करोड़ अलग है और ये बिल्कुल अलग है, ये डीकमीशनिंग कॉस्ट है। विच वॉज डिटरमिंड यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन चलते चलते आ गया 31 मार्च X2 पे, 31 मार्च X2 पे, मतलब 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब समझते हो, अनवाइंडिंग कॉस्ट डेबिट टू डी कमीशनिंग प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट। अगर 10% का रेट है, 10 लाख का 1 लाख बनता है, ये नहीं समझे। डी कमीशनिंग कॉस्ट बताओ कितनी इंक्लूड की गई थी 1 अप्रैल को, 10 लाख। उस पर 1 साल का ब्याज निकलेगा एट द रेट ऑफ 10%, 1 लाख। तो अब मेरे पास ये 11 लाख हो गया है। और क्वेश्चन कहता है कि कंपनी को लगता है कि डी कमीशनिंग कॉस्ट 13 लाख रुपये हो जानी चाहिए, तो डी कमीशनिंग कॉस्ट में 2 लाख रुपये की इंक्रीज आ रही है, तो एंट्री डाल देंगे PPE अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट 2 लाख रुपये। ये क्वेश्चन है, 11 लाख का प्रोविजन 13 लाख करना है। तो पहले हमने क्या किया, 10 लाख के प्रोविजन को ब्याज लगा के क्लोजिंग वैल्यू में कन्वर्ट किया, फिर 11 का कंपैरिजन 13 से किया, तो 2 लाख से आप कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है तो PPE में प्लस माइनस करना है, तो 2 लाख से कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोविजन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। आपका आंसर दिखाऊं, हंसना मत। एक एंट्री डेप्रिसिएशन की डाल रखी है उन्होंने, और 1.5 करोड़ का 20 से डिवाइड करोगे 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन है। क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाओ। लो जी, इंड एस 20 का ये क्वेश्चन, ये होमवर्क में जाएगा। क्यों? ये क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूली एडेड क्वेश्चंस का। न्यूली एडेड क्वेश्चंस की हेडिंग आपके इंड एस 20 में है। उसका पहला क्वेश्चन है कट कॉपी पेस्ट, क्लास में कराया हुआ है। ये जो 10 लाख हैं इसको डिवाइड करना है 5 साल से, 2-2 लाख रुपए अमोर्टाइज करने हैं। आंसर गिवन है, क्लास में कराया हुआ, वहाँ से कर लेना, क्लास बुक में गिवन है। मैं क्लास बुक की बात कर रहा हूँ, क्लास का डिस्कस्ड क्वेश्चन है। कुछ नया हो तो बताऊँ। 103 ये क्वेश्चन इन्होंने दिया NCI पे, NCI फेयर वैल्यू, NCI प्रोपोर्शनेट मेथड। आपको NCI की वैल्यूएशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन ऑफ वेरी रेलिवेंट लिमिटेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गेन ऑन बार्गेन परचेज। बार्गेन परचेज कहते हैं कैपिटल रिजर्व को। बिजनेस एक्विजिशन के टाइम पे या तो गुडविल आती है या कैपिटल रिजर्व आता है। आपको दोनों तरीके से बताना है कि अगर NCI की वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे करेंगे तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, प्रोपोर्शनेट करेंगे नेट एसेट्स का तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। मेरे हिसाब से बच्चों वाली बात है, पढ़ लेते हैं। इन अक्टूबर X1 कंपनी एक्वायर्ड 75% ऑफ द वेरी रेलिवेंट लिमिटेड बाय पेइंग कैश कंसिडरेशन ऑफ 80 लैक्स, 8 लैक्स सॉरी 0.8 मिलियन है, तो 8 लाख रुपए दिए हैं इन्होंने। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट 0.2 मिलियन, 2 लाख, तो ठीक है।
अगर हम एंट्री पास करें तो ये एंट्री पास होती है ना ऐसे, यही तो एंट्री पास होती है। अगर हम इन दोनों का टोटल मारें तो ये बनता है 2 लाख, ये बनता है 8 लाख, तो ये टोटल कितना बनता है 10 लाख। इसमें से नेट एसेट्स अगर हम माइनस कर दें तो बताओ ये नेट एसेट्स कितनी है, नेट एसेट्स बता रहे हैं हमें 11 लाख की है। तो करना क्या है, पेमेंट इन कैश 8 लाख, एनसीआई 2 लाख, टोटल मारते हैं तो 10 लाख, माइनस करते हैं नेट एसेट्स 11 लाख, तो 1 लाख रुपये आपका कैपिटल रिजर्व आ गया, जिसको बार्गेन परचेज बोलते हैं हम। एंड 103 क्लियरली एक्सप्लेन्स वन सिंगल पॉइंट दैट बार्गेन परचेज इज़ वेरी रेयर। कोई स्ट्रेस सेल होती है, आपको मैंने बहुत एग्जांपल दिए थे बार्गेन परचेज आने के कि क्यों आता है। सरकार ने किसी के बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो अपने एसेट्स को बेच रहा है और उसको सरकार ने बोला कि 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करो सब कुछ, तो कई बार जब टाइम बाउंड सेल करनी होती है तो वो सस्ते में मिल जाती है। ये बातें बताई हुई हैं सारी आपको क्लास में, कुछ नया तो है नहीं। अगर हम फॉलो करते हैं ये मेथड तो कैश है 8 लाख, एनसीआई 11 लाख रुपए की अगर हमारी नेट एसेट्स हैं, तो इसका 25% एनसीआई बताओ कितना आएगा, एसेट्स का 25% 2.75 आएगा, टोटल 10.75, 11 लाख, तो कैपिटल रिजर्व 25,000 रुपये का रह जाएगा। अगर हम फॉलो करते हैं फेयर वैल्यू तो कैपिटल रिजर्व विल बिकम 1 लाख रुपीज़, अदरवाइज 25,000 रुपीज़। आंसर दिखाऊं इसका, ये रहा जी, 1 2 3, 1 2 3, ये क्वेश्चन है जी, आंसर हो गया। ये प्रोपोर्शन मेथड की वर्किंग है, ये फेयर वैल्यू की वर्किंग है। और मैंने क्लास में बताया था एंट्री से अंदाज़ा लगा लिया करो, एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैश एंड टू एनसीआई, तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो बिजनेस की वैल्यू बन जाती है। नेट एसेट्स माइनस करते हो तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर ये स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत आए तो एंट्रीज को इसमें कन्वर्ट कर लिया करो। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसने टेंशन दी हो हमें, सब मज़ेदार क्वेश्चन है आपके। सातवा हो गया, आठवा हो गया, फिर नौवा हो गया, 11वां हो गया। INDS 41 सर, आसान क्वेश्चन है। मछली पकड़ने का काम करते हैं ये, कैचिंग द फिशेस, और हमसे पूछते हैं जी क्या ये INDS 41 में आता है। आंसर इज नो। एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किसी RTP में आया हुआ है कि अगर हम फिश कैचिंग का काम करते हैं, मतलब शिप लेके निकल गए मछली पकड़ ली। एक होता है मछली पालन, नहीं समझे, अगर मान लो मैंने कोई पॉन्ड, फिश पॉन्ड बनाया, उसमें मछली डाल दी और मैं मछली को पाल पाल रहा हूँ कि जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा तब बेचूंगा। ये तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हेडिंग में आता है और ये INDS 41 कवर भी करता है कि आप एक छोटी फिश को बड़ी फिश में कन्वर्ट करके फिर बेचते हो, इसको बोलते हैं फिशिंग बिजनेस। एक होता है फिश कैचिंग, समंदर में गए मछली पकड़ी, मछली पकड़ के बेच दी, इसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही नहीं। पूछ रहे जी क्या ये INDS 41 में आता है, आंसर इज नो। ये पहले भी RTP में डिस्कस किया हुआ है हमने। कोई भी एक्टिविटी INDS 41 के दायरे में तभी आएगी जब कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमने एनिमल्स के क्वेश्चन इतने सारे किए हैं, एनिमल्स में हम वर्किंग बनाते हैं एज वाइज, जैसे काउज के क्वेश्चन किए 1 ईयर एज है ना, 6 मंथ्स एज, 2 ईयर एज, तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से हो जाता है उसमें। पर मछली पकड़ के बेचते हो सर, इसमें क्या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। INDS 32 बच्चा क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये बताना है कि फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन से कौन सी बात मैच करती है। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन क्या थी, फाइनेंशियल एसेट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट
फिनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? फिनेंशियल लायबिलिटी इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश. कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होने चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. अब जैसे मैंने बैंक एडवांस की बात की है, एक बैंक ने हमें एडवांस दिया है, 5 साल का लोन है, बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है, तो अगर आप बात करें तो बैंक से जो पैसा आपने उधार लिया है वो वापस करना पड़ता है, जो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है वो भी वापस करना पड़ता है. तो अगर आप एंटिटी के हिसाब से पूछें तो जो बैंक लोन है ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और जो बैंक ओडी है ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिकॉज देर इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश. आपका और बैंक का आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ओवरड्राफ्ट का, लोन्स का, तभी तो आपको पैसे उधार मिलते हैं और आपको वापस भी करने हैं क्योंकि टाइम बाउंड है. एंटिटी ए के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं बी में. द प्रेफरेंस शेयर्स एंटाइटल एंटिटी ए टू डिविडेंड्स बट नॉट टू एनी वोटिंग राइट्स. अगर कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है तो ये रिडीमेबल इन नेचर हैं, और अगर रिडीमेबल नेचर हैं तो एंटिटी ए के लिए फिनेंशियल एसेट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, और एंटिटी बी के लिए फिनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस भी करना है ड्यू टू इट्स रिडीमेबल नेचर. और अगर ये कन्वर्टिबल शेयर्स हो तो कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, पर कन्वर्जन की कोई बात ही नहीं है तो मैं सीएफआई की बात क्यों करूं आपके साथ. तीसरा मेरे पास है जी, एंटिटी के पास एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है इनकम टैक्स का, है ना, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जिसको करंट टैक्स बोलते हैं. तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना है, और ना ही इनकम टैक्स को पे करने की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है. सोशल लायबिलिटी है, सरकार को टैक्स देना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल लायबिलिटी है, बिल्कुल देंगे, पर सरकार कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ. और इसीलिए बैलेंस शीट में जो इनकम टैक्स प्रोविजन है शेड्यूल 3 आपने पढ़ा हुआ है, कभी भी हम फिनेंशियल एसेट्स फिनेंशियल लायबिलिटी की हेडिंग में नहीं दिखाते. फिर जी हमारा कोई मुकदमा चल रहा है हमारे खिलाफ, और एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमसे कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं डैमेजेस के लिए ना. अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो इंड एस 37 के हिसाब से आप उस पर प्रोविज़न बना सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है आपका, तो हम इसे प्रोविजंस की एडिंग में शो करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी इसकी नेचर होगी, पर ये फिनेंशियल एसेट फिनेंशियल लायबिलिटी नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद द ग्रुप ऑफ पीपल कि हम आपको पे करेंगे. वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो जो केस का फैसला होगा और जो हमारा एस्टिमेशन होगा, जैसे जैसे स्टेज क्लियर होती जाएगी हम प्रोविजन बनाते जाएंगे. हो गया क्वेश्चन? हंस रहे हो, बताओ, मुस्कुरा रहे हो कि सर ये तो आपने पहले 2 लेक्चर में सारी बातें समझाई हुई हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, हंस रहे हो, बताओ. इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, इंड एस 19 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमें कवर करना चाहिए. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, 10 मिनट से ज़्यादा इसमें हमें लगने नहीं है. मैं फटाफट से आपका आंसर भी स्क्रीन पे लगा दूं ज़रा, क्योंकि इसमें भी मेरे करवाने लायक कुछ है नहीं. खैर पूरी आरटीपी इन्होंने आसान ही बनाई है. अगर हम इस क्वेश्चन को रीड करें फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कंप्यूट, कुछ कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है आपको. क्या कैलकुलेट करवा रहा है हमसे? द नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी. क्या वर्ड है? नेट. और आपको मैंने जब इंड एस 19 के क्वेश्चंस कराए थे आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंटेशन में जब हम नोट्स टू अकाउंट्स में रिटायरमेंट बेनिफिट्स की डिटेल देते हैं तो उसमें नेट शो करते हैं. नेट, नेट का मतलब क्या था?
हमारा वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन माइनस प्लान एसेट्स, माइनस प्लान एसेट्स, इनको नेट ऑफ करते हैं तो ये नेट अमाउंट बन जाती है। डीबीओ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपकी लायबिलिटी है, प्लान एसेट्स आपके एसेट्स हैं, दोनों को नेट ऑफ करके जो नेट लायबिलिटी या नेट एसेट बनती है वो शो करनी होती है आपने। और हमने तो क्लास में रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स भी बनाए हुए हैं, काफ़ी कुछ समझाया था, पर इसमें तो क्वेश्चन सिर्फ ये बात कह रहा है कि आप हमें नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी बता दो। तो आपको करना क्या है, आपको 31 मार्च को दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो डीबीओ और एक आपके प्लान एसेट्स। अगर ये दो चीज़ें आपको पता हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका नेट अमाउंट हो जाएगा। तो एक आपको डीबीओ निकालना है क्लोजिंग, एक आपको प्लान एसेट्स निकालने हैं क्लोजिंग। और अगर क्लोजिंग डीबीओ और क्लोजिंग प्लान एसेट्स आपको पता हैं तो दोनों का डिफरेंस आपका नेट डिफाइंड लाइबिलिटी बन जाएगा या नेट डिफाइंड एसेट बन जाएगा। डीबीओ ज़्यादा है तो लाइबिलिटी आ जाएगी, एसेट्स ज़्यादा हैं तो, लेकिन आपको पता है 99% लाइबिलिटी ही आनी है। फिर क्वेश्चन हमें कहता है एक हमें एक्सपेंस बताओ जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीज़ें जाती हैं जो नॉर्मल हैं, एक तो करंट सर्विस कॉस्ट जाएगी, एक आपका इंटरेस्ट जाएगा और एक प्लान एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। और बाकी बाकी तो रीमेजरमेंट आपका जो हम कहते हैं एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस, जो रीमेजरमेंट है आपका उसे हम OCI में शो करते हैं, वो तो P&L में जाता नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास है, मैं कॉन्सेप्ट करा ही नहीं रहा। IND AS 19 का रिविजनरी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स में गैप आए रिविजनरी वीडियो आप शेयर कर सकते, चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए ज़रा, ये हमारे पास क्वेश्चन में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन दे रखे हैं और एक तो इन्फॉर्मेशन है 31 दिसंबर X1 की और एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है 31 दिसंबर X2 की। मतलब ये हमारा Year 1 है और ये हमारा Year 2 है, मतलब ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है। इसी तरह से आपको प्लान एसेट्स गिवन है, एक X1 के हैं और दूसरा X2 के हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। तो अगर आप वर्किंग बनाना चाहें तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग बैलेंस पे आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्लोजिंग बैलेंस पे आना, आपको क्या निकालना है, आपको सर नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी निकालनी है। नेट लाइबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको X1 के लिए X1 का क्लोजिंग चाहिए, X2 के लिए X2 का क्लोजिंग चाहिए और उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्लस माइनस का स्टेटमेंट। तो अगर मैं आपसे वर्किंग बनाऊं, अगर मैं यहीं पे लिखना शुरू करूं तो मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ, प्लीज नोटिंग मत करना, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर X1। मैं सिर्फ X1 की बात कर रहा हूं अभी। और एक मैं इसमें लिखूंगा DBO, एक मैं लिखूंगा प्लान एसेट्स और बाद में जो फिगर आएगी उसको नेट कर लेंगे हम। सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस, मेरे पास इस साल का ओपनिंग बैलेंस है 47.08 और मेरे पास प्लान एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 14.65। अब इसके बाद है करंट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट सिर्फ ये दो कॉलम चेक करना, 4.97, 4.97 प्लस हो जाएगा। मैं इधर लिख लेता हूँ, नोटिंग मत करना प्लीज, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अच्छा, फिर इसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट है 3.56। आपको पता है करंट सर्विस कॉस्ट हो या इंटरेस्ट कॉस्ट हो, ये आपके DBO में जाके ऐड हो जाते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू DBO और प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों चार्ज हो जाते हैं, ये दोनों P&L में चले जाते हैं। अच्छा, चेंजेस इन डेमोग्राफिक अजम्पशन, ये तो आपका वही OCA वाला पार्ट आ गया, अजम्पशंस में चेंजेस आ रहे हैं। 1. एक फिनेंशियल अजम्पशन होती है, एक डेमोग्राफिक होती है आपकी। 1.93 DBO निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर एक्सपीरियंस वेरिएंस, सब खर्चे दे रखे हैं आपको,
ये सारे आपके ओसीआई का पार्ट है, एक्चुरियल वाला, रीमेजरमेंट वाला पार्ट है आपका सारा ये। बेनिफिट्स पेड, अगर हम बेनिफिट पे करने हैं तो बेनिफिट पे करेंगे तो बेनिफिट पे करेंगे तो एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे। एक तरफ से क्लेम पे हो जाते हैं, एक तरफ से एसेट्स, एसेट्स बेच के तो क्लेम पे होते हैं, दोनों में से माइनस कर दिया आपने। मेरे पास कुछ है ही नहीं नया, फिर मैं इस कॉलम में आ गया, इन्वेस्टमेंट इनकम ये गया, ये गया, इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और ये हमारा एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, नए एसेट्स खरीदे आपने ये भी प्लस हो जाएगा, और रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स वही एक्चुरियल वाला है माइनस हो जाएगा। इसका लगाएंगे टोटल, ये आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस नेट आ जाएगा। वर्किंग बना के दिखाऊं, 47.08 प्लस 4.97 प्लस 3.56 प्लस 1.86 प्लस 1.93 प्लस 4.46 माइनस 0.61, ये आ जाएगा 63.25। और ये अगर X1 का क्लोजिंग है, ये अगर X1 का क्लोजिंग है तो X2 का क्या होगा, ओपनिंग होगा, ये रहा, टैली भी हो गया, X2 का ओपनिंग इतना ही है। अच्छा, 14.65 प्लस 1.12 प्लस 7 माइनस 61 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 21.81, ये दे रखा है 21.80, राउंड ऑफ किया हुआ इन्होंने, ये भी टैली हो गया। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 63.25 माइनस 21.81 ये आ जाएगा 41.44, ये आपकी नेट लाइव। ये क्वेश्चन है बेटे, आपको इसमें करना क्या है, जो टेबल क्वेश्चन में है बस आपको डीबीओ और प्लान एसेट्स में प्लस माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस तक आना है, और क्लोजिंग को नेट ऑफ करके आंसर आ गया आपका। जैसे आपने एक्स वन की वर्किंग बनाई है, सेम टू सेम एक्स टू की वर्किंग बनेगी, सेम टू सेम। और अगर आप इसका आंसर देखें, ये देखो आप, सिंपल सी वर्किंग है, ये हमारा X1 का कॉलम है, ये भी X1 का कॉलम है, और ये 63.25 प्लस 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 ये 21.81 स्टार लगा के इन्होंने राउंड ऑफ किया होगा, वो ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंस निकाल दिया तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से फिर X2 का टेबल बनाया, क्लोजिंग बैलेंस पे आ गए और क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल दिया इन्होंने और आंसर निकाल दिया। मतलब सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है, सिर्फ कैलकुलेटर, टोटल मारने और डिफरेंस निकाल देना है। और एक बात क्वेश्चन और कहते हैं कि पी एंड एल में क्या जाएगा, पी एंड एल में तीन चीज़ें जानी हैं आपकी, एक तो जाना है करंट सर्विस कॉस्ट, ये फिगर जाएगी, एक आपका जाना है इंटरेस्ट कॉस्ट, ये फिगर जाएगी, ये ओसीआई है, ये ओसीआई है, ये ओसीआई है, ये तो खैर बेनिफिट्स पे हुए हैं, एक इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी पी एंड एल में जाएगी। बस ये तीन चीज़ें पी एंड एल में जाएंगी, ये तो प्लान एसेट्स खरीदे, ये भी आपका ओसीआई है, ये तीन चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जानी होती हैं। ये क्वेश्चन है बेटे, बताओ। अगर बच्चा कहे जी मेरे को तो समझ ही नहीं आया, फिर इंडियस 19 आपने पढ़ा ही नहीं, और अगर पढ़ा है तो आपने रिटेन नहीं किया। ये तो जिस स्टेटमेंट जो नजर आ रही है, हमें तो कुछ कंप्यूट करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। हमने तो क्लास में ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशंस भी बनते हैं, इसमें तो सब कुछ गिवन है बच्चे, टोटल 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 माइनस क्लोजिंग निकाल के नेट, चलो जी आंसर। ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बना दिया इन्होंने एक्सट्रैक्ट, एक करंट सर्विस कॉस्ट है जी, एक इंटरेस्ट कॉस्ट है, एक इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट ऑफ करके आपको दिखा दिया। ये लो, करंट सर्विस कॉस्ट आपका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट कॉस्ट आपका एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी इनकम है। मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने को, मैं क्या करूं बताऊं, कुछ होगा तो बताऊंगा। इतनी सिंपल आरटीपी तो कभी बनाई नहीं इन्होंने, वैसे कुछ ना कुछ नया ज़रूर देते हैं। वन हो गया जी, टू हो गया, थ्री भी हो गया, फोर भी हो गया, लो फाइव आ जाओ। इंड एस 101,
फर्स्ट टाइम अडॉप्शन क्या है जी? काफी लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको इसका निचोड़ बता देता हूं। NDS 101, मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में है क्या, कहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते फिरोगे। सेल्फ रीड करोगे, टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली ABC लिमिटेड जो इस क्वेश्चन में है, ये पहले AS लगा रहे थे, अब ये इंड AS में अपने आप को ट्रांजिट कर रहे हैं। पहले ये AS लगा रहे थे, अब इंड AS लगा रहे हैं, तो ट्रांजिशन फेस आएगा। 101 में आपको पता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के हिसाब से चलना होता है। जब ये AS लगा रहे थे तो इन्होंने AS 21 और AS 27 लगा रखा है। AS 21 लगता था होल्डिंग सब्सिडरी और 27 लगता था जॉइंट वेंचर पे, और इन्होंने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ गुडविल वगैरह रेज की हुई है। जब हम सब्सिडरी में पैसा लगाते हैं या जॉइंट वेंचर में पैसा लगाते हैं तो इन्होंने कुछ गुडविल वगैरह रेज कर रखी है। तो ये जो गुडविल है इसको अमोर्टाइज करते आ रहे हैं UOP से, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। डेप्रिसिएशन के तीन फेमस मेथड हैं, SLM, WDV और UOP। तो ये क्या करते हैं, गुडविल को कैश इनफ्लो की रेशियो में बांट रहे हैं। जैसे जैसे इनको बेनिफिट मिलता है, जैसे जैसे इनको बेनिफिट मिलता है, तो कैश इनफ्लो की रेशियो में इन्होंने बेनिफिट किस रेशियो में, ये क्वेश्चन है मिनरल ऑयल्स का, अंडरग्राउंड रिसोर्सिस का। तो जैसे जैसे ये अंडरग्राउंड रिसोर्सिस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से गुडविल को अमोर्टाइज करते रहते हैं। तो ये इनका पुराना प्रोसेस है गुडविल को अमोर्टाइज करने का, कैश इनफ्लो की रेशियो में। और AS 26 इस बात की इजाज़त देता भी है कि आप गुडविल को अमोर्टाइज कर लो, और इन्होंने उसको फॉलो किया हुआ है। लेकिन अब आ गए ये इंड AS में, और इंड AS में जब ये ट्रांजिट हुए तो ये कहते हैं कि हम अपनी गुडविल को अमोर्टाइज करते रहना चाहते हैं। जो ABC लिमिटेड है ये अपनी गुडविल को अमोर्टाइज करते रहना चाहती है। तो आंसर सिर्फ इसका ये है कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। गुडविल को अमोर्टाइज करते होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। एक बार अगर ये एंटिटी इंड AS के दायरे में आ गई तो जो हमारा इंड AS 38 है वो गुडविल को अमोर्टाइज करने की इजाज़त नहीं देता। गुडविल को अमोर्टाइज कर ही नहीं सकते हम। सिर्फ एक केस है जब हम गुडविल को हटा सकते हैं, और वो है इंड AS 36 का एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट। सारे बच्चों को पता है कि गुडविल का एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट करना मैंडेटरी है, और अगर उस इम्पेयरमेंट टेस्ट में गुडविल फेल होती है तो आप गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज गुडविल लाइफ टाइम आपकी बैलेंस शीट में पड़ी रहेगी। तो गुडविल को अमोर्टाइज नहीं किया जा सकता अंडर इंड AS 38। इसका सिर्फ 36 के हिसाब से एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ आपको ये लिखना था कि ये जो पॉलिसी कंपनी चाहती है लगाना कि गुडविल को अमोर्टाइज करते रहें, स्टिल इंड AS में आ गए तो भी, तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इंड AS इजाज़त नहीं देते गुडविल को अमोर्टाइज करने की। सिर्फ एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट किया जा सकता है। ये पूरा क्वेश्चन, पूरी कहानी सुनाई कि कंपनी ये काम करती है जी, कंपनी के पास सब्सिडरीज होती हैं, फिर ये पूरी कहानी आप पढ़ लेना, निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। आंसर मैं आपको टू द पॉइंट चेक करा देता हूँ। वंस गुडविल इज रिकग्नाइज इन द ओपनिंग ट्रांजिशन बैलेंस शीट डेट, एक बार इंड AS में आपकी गुडविल आ गई, द एंटिटी हैज़ टू फॉलो द प्रोविजन्स ऑफ इंड AS विच स्टेट्स दैट गुडविल इज नॉट अमोर्टाइज बट रादर टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। अकॉर्डिंगली द अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन UOP मैथड इज नॉट करेक्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड AS। कंपनी का सही इरादा नहीं है, ये अभी भी उसको अमोर्टाइज करना चाहते हैं, नॉट अलाउड है जी। ये देखो आप, द इम्पेयरमेंट टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन कंडीशंस एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन
टू इंड ईयर्स, नो अदर एडजस्टमेंट शैल बी मेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन। कुछ और एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। आप पहले अमोर्टाइज करते रहे होंगे वो अलग बात है, अब नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का यही निचोड़ है बेटे, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये जो एक पेज का क्वेश्चन है, आपको पता है इनकी पुरानी हिस्ट्री है, पूरी कहानी सुनाएंगे और लास्ट में आंसर में कुछ होता नहीं। इसमें सिर्फ गुडविल के बारे में था और कुछ भी है इस क्वेश्चन में। ट्वेंटी थ्री मैंने आपको कराई दिया था, 115 पुराना क्वेश्चन है, 16वां मैंने आपको करा दिया था। लो जी, इंड एस 116, इस पे हम लगा देते हैं टिक इम्पॉर्टेंट। ये एक तरह से अपने आप में नया क्वेश्चन है इनका। इन्होंने इंसेंटिव्स बताए हैं और वो भी ऑपरेटिंग लीज में। हमने क्लास में जो इंसेंटिव्स पढ़े थे वो थे फिनेंशियल लीज में, वो नॉन एग्जम्प्टेड लीज में थे, फाइनेंस लीज में थे, और लीज लाइबिलिटी में उसको एडजस्ट करते थे, वो अलग कॉन्सेप्ट था। ये अलग क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आपको पढ़ना चाहिए। इस आरटीबी में मुझे सिर्फ दो ही क्वेश्चन नए नज़र आए हैं। एक तो आपका लीज का क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इंड एस 33 का ईपीएस का क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन नए हैं, बाकी सब सिंपल है, कुछ भी नहीं है बाकी किसी में। हाउ विल एंटिटी ए या एंटिटी वाई, जो भी इसका नाम है, अकाउंट फॉर द इंसेंटिव इन द फॉलोइंग सिनेरियोस। आपसे इंसेंटिव की अकाउंटिंग मांग रहे हैं सिनेरियो ए। पहला केस, एंटिटी वाई जो कि लेसर है, एंटर्स इनटू एन ऑपरेटिंग लीज ऑफ द प्रॉपर्टी विद एंटिटी एक्स लेसी फॉर अ 5 ईयर टर्म एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1,10,000। पहली बात, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर 1 साल में 12 महीने हैं तो 60 महीने हैं, तो 60 रेंटल आएंगे, 60 रेंटल्स भी आएंगे मेरे पास, क्योंकि रेंटल आपका मंथली है। तो 12, 5, 60 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में 60 इंस्टॉलमेंट आएंगी। ऑपरेटिंग लीज है तो रेंटल आएंगे, फाइनेंस लीज होती तो इसको हम इंस्टॉलमेंट मान लेते, ब्याज निकाल लेते। अब ये ऑपरेटिंग लीज है तो ये मंथली रेंटल है। सारे बच्चों को पता है कि ऑपरेटिंग लीज में रेंट रेंट खेलते हैं, ब्याज ब्याज नहीं खेलते हम। इन ऑर्डर टू इंड्यूस एंटिटी एक्स टू एंटर इनटू द लीज, लेसी को इस लीज में लेके आने के लिए, मैं लेसर हूँ, मैं किराया कमाना चाहता हूँ, मुझे किराएदार चाहिए, तो मुझे किराएदार को थोड़ा सा तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि उसके फ़ायदे की बात करूँगा। वही किया, हम एक्स के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। एंटिटी वाई उसको कहता है कि हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। पहले बताओ किराएदार आपको क्या देगा? किराएदार आपको 1,10,000 रुपये महीने के किराया देगा। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, हम किराएदार को कह रहे हैं, हम किराएदार को कह रहे हैं कि हम तेरे को 6 लाख रुपए देंगे। किस चीज़ के? जब लीज स्टार्ट होगी हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। किस चीज़ के? फॉर लेसी इम्प्रूवमेंट्स। अगर मैं लेसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, अपनी एसेट दे रहा हूँ यूज़ करने के लिए, और मैं उसको 6 लाख रुपए दे रहा हूँ कि तू इसको अपने हिसाब से तैयार करवा ले, यहाँ एसेट का मालिक किराएदार को 6 लाख रुपए दे रहा है कि आप एसेट को अपने तरीके से तैयार करवा लो और मुझे फिर मंथली रेंटल दे। अगर मैं किसी को 6 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मैं पागल नहीं हूँ? मुझे पता है मैं इसको 6 लाख दूंगा, ये एसेट को अपने हिसाब से तैयार कराएगा तो फिर यूज़ करेगा। तो ये एक अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया कि इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स होने हैं हम आपको करवा के देंगे। तो लेसी कहता बढ़िया, मेरे को तो रेडी फॉर यूज़ एसेट मिलेगा, मेरे को तो किराया देना है।
लेसर क्या सोच रहा है? लेसर ये सोच रहा है अरे कोई बात नहीं, 6 लाख जा रहे हैं जाने दो, मंथली रेंटल तो 1,10,000 रुपये का आएगा, साल के तो 12 लाख रुपए हो गए ऑन एन एवरेज, 5 साल के तो 60 लाख रुपए हो गए। अगर 60 लाख रुपए का किराया कमाने के लिए 6 लाख रुपए लगा भी दिए तो क्या दिक्कत है? तो आपसे पूछ रहा है इस 6 लाख की अकाउंटिंग कैसे करें, क्योंकि जो पैसा लेसर लेसी को वापस कर देता है उसको इंसेंटिव बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होंगी, क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल एंटिटी वाई, किसके बुक्स में अकाउंटिंग मांग रहा है? वाई के बुक्स में, तो ये मैंने वाई के बुक्स बनाए, ये केस वन लिखा, नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आसान है। तो मैं पहले लिखूंगा लीज इंसेंटिव अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 लाख रुपए। मैं इसको P&L में राइट ऑफ नहीं करूंगा ना, क्योंकि ये पैसा मुझे फ्यूचर में वापस आएगा। देखो मेरे को जब किराया आएगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज इनकम टू लीज इंसेंटिव 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। ये कैसे आया? अगर मैंने 6 लाख रुपए खर्च किए हैं तो ये मुझे 60 इंस्टॉलमेंट्स में वापस आ जाएंगे, 60 मंथ्स, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 60 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 60 किराए मुझे मिलेंगे, तो हर रेंटल के अंदर मैं ये मान लूंगा कि 10,000 रुपये मुझे अपने इंसेंटिव के वापस आ रहे हैं। तो जो इंसेंटिव का पैसा मैंने खर्च किया है ये मेरा लॉस नहीं है, ये जो फ्यूचर में मेरे को कलेक्शन होगा उसमें इंक्लूडेड मानूंगा मैं इसको। 6 लाख खर्च करके मैं कमा भी तो रहा हूँ, तो हर बार यही होगा। और ये जो लीज इनकम है ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, और इंसेंटिव जो है वो धीरे धीरे राइट ऑफ होता रहेगा। हमने 6 लाख खर्च किए थे, हर महीने 10,000, तो साल में 1,20,000, तो बाकी बचेगा मेरे पास 6 लाख में से 1,480, तो 480 मेरे लिए एक तरह से जो है वो डेफर्ड लीज इंसेंटिव है, और मैं इसको बैलेंस शीट में एसेट्स में शो कर दूंगा, हर साल ये एंट्रीज पास होंगी। अगर मैं आपको इसका आरटीपी का आंसर चेक कराऊं, ये देखो आप, ये इसका फर्स्ट केस है, पहले इसने लीज इंसेंटिव को पे किया, बाद में इसको रियलाइज हो गया। अगर कोई पैसा खर्च करके बाद में रिकवर हो जाएगा तो वो एक्सपेंस थोड़ा ना आपका। अच्छा एक और केस भी है मेरे पास, केस बी में आते हैं, देखो केस बी क्या कहते हैं। एंटिटी वाई एंटर्स इनटू एन ऑपरेटिंग लीज ऑफ प्रॉपर्टी विद एंटिटी एक्स फॉर 5 ईयर टर्म एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1,10,000। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए। एट लीज कमेंसमेंट एंटिटी वाई प्रोवाइड्स 6 लाख रुपीज़ टू एंटिटी एक्स फॉर, यहां तक भी क्वेश्चन सेम है, 6 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, लेकिन आगे क्वेश्चन कहता है फॉर फॉर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स विच विल बी ओन्ड बाय एंटिटी वाई लेसर्स एसेट्स। इस बार क्या हुआ, हमने जो 6 लाख रुपए दिए वो लेसी को इसलिए नहीं दिए कि आप अपने यूज के हिसाब से इसको ठीक करवा लो, हमने उसको जो 6 लाख रुपए दिए वो इंप्रूवमेंट्स के लिए दिए, और जो एसेट के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा वो लेसी के लिए डिजाइंड नहीं है, वो एसेट में इम्प्रूवमेंट है आपका, और एसेट की ओनरशिप वाई के पास है, ऑपरेटिंग लीज का केस है। अगर तो मैं उसको कहता हूँ, मान लो मैंने एक जगह किराए पे दी और मैंने सामने वाले को बोला ये ले 6 लाख अपने हिसाब से ऑफिस बनवा ले, तो जब तक वो यूज रहेगा अपना ऑफिस यूज करेगा, उसके बाद तो वो ऑफिस मेरे काम का भी नहीं है, उसने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है, जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करा लेते हैं।
लेकिन मैं सामने वाले को कह रहा हूँ 6 लाख रुपए लें, ये आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन नहीं हो रहा, एसेट में कुछ काम होने वाला है वो करवा लो आप, लेकिन उसके आगे अपने यूज़ के हिसाब से जो पैसा लगाना है अपनी जेब से लगाओ। यानी दोनों में फ़र्क है, सेकंड केस में जो हम पैसा दे रहे हैं वो एसेट के इम्प्रूवमेंट के लिए है, ना कि लेसी के ईज़ के लिए, लेसी के हिसाब से कस्टमाइजेशन के लिए ना। इसका बेनिफिट लेसी को नहीं है, और अगर इसका बेनिफिट लेसी को नहीं है तो किराए में वापस भी नहीं आ रहा है। ये आपने इम्प्रूवमेंट की है तो मैं इसमें एंट्री पास करूँगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट टू बैंक 6 लाख रुपीज़, क्योंकि मैंने इंड एस 16 पढ़ा हुआ है, इम्प्रूवमेंट को कैपिटलाइज करते हैं। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी बता रहे हैं, 5 ईयर्स, तो मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगा सकता हूँ बस 1,20,000 का, और जो रेंटल आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम लीज इनकम 1,10,000 रुपये, और 1,10,000 का ब्रेकअप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर आप कोई भी इंसेंटिव लेसी को देते हैं कि आप एसेट अपने हिसाब से तैयार करवा लो, वो तो किराए से कनेक्टेड हो गई, आपका इंटेंशन है पैसा खर्च करके किराया कमाना, लेकिन अगर आप एसेट में कुछ काम कराते हैं और वो किराए से रिलेटेड नहीं है, वो लेसी का कस्टमाइजेशन नहीं है, तो आपने अपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई है और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ये 2 केस इन्होंने हमें दिए हैं, ये देखो आप। एंटिटी वाई हैज़ प्रोवाइडेड लीज इंसेंटिव 6 लाख रुपीज़ टू एक्स फॉर लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रीमाइसेस। एंटिटी वाई हैज़ द ओनरशिप ऑफ द लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स कैरिड आउट बाई द लेसी, इट शेल अकाउंट फॉर द PPE। ये पहली एंट्री पास हो गई, डेप्रिसिएशन पास हो गया और किराया पूरा आएगा, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो गई, और ये हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू लीज इनकम हो गए। ये जो 6 लाख रुपए हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 ईयर से, 1,20,000 रुपये बनते हैं, 12 महीने से डिवाइड करता हूँ तो 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन पर मंथ है, पर डेप्रिसिएशन तो आपका लगता है पर एनम बेसिस पे, तो 1,20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन होना चाहिए, और इन्होंने दिखा रखा है 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। ये मंथली डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस देखने में नया था। इसके बाद है बेटे हमारे पास, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। लो जी, इंड एस 33, क्वेश्चन नंबर 14, इस पे आप लगाओ टिक, और वो भी इम्पॉर्टेंट, ये आपका रिवीजन में आना चाहिए। इसमें एक नया पॉइंट एक्सप्लेन किया है इन्होंने, और वो है ट्रेजरी शेयर्स का। इसमें एक नया पॉइंट है ट्रेजरी शेयर्स का, ये आपने कंपनी लॉ में पढ़ा भी होगा, ट्रेजरी शेयर्स के बारे में कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा। ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं? जब कोई कंपनी अपने खुद के, अगर कोई कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीद के रख लेती है, अगर कोई कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने मान लो
अपने शेयर परचेज कर लिए, ओन शेयर्स परचेज्ड। पहली बात तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर खरीद के रख सकती है। आंसर इज यस, कंपनीज एक्ट अलाउ करता है। लेकिन आपको कुछ बातें बेटे समझनी पड़ेंगी, समझा तो आपने हुआ है कंपनी लॉ के टीचर से, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ट्रेजरी शेयर्स कंपनी के अपने इक्विटी शेयर्स होते हैं। अगर कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट से खरीद के रख ले तो हम उसको ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं, या इसको कॉन्ट्रा इक्विटी भी कह देते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर क्यों परचेज करेगी? तो इसके पीछे काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। पहला, अगर कंपनी को इस बात का डर हो कि इसके शेयर्स को कोई टेक ओवर ना कर ले, अगर कंपनी के पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, और कंपनी को ये डर सता रहा है कि इसके शेयर कोई खरीद ना ले मार्केट में, क्योंकि सेलिंग ज़्यादा हो गई, तो कंपनी अपने शेयर को खरीद के रख सकती है मार्केट से गायब। नंबर टू, कंपनी ईपीएस इंप्रूव करने के लिए भी अपने शेयर परचेज कर सकती है, क्योंकि जब कंपनी ने अपने शेयर परचेज कर लिए तो वो वोटिंग राइट उसके सस्पेंड हो जाते हैं। मान लो मेरे पास 10 लाख शेयर हैं, मैंने 2 लाख शेयर ट्रेजरी शेयर खरीद के रख लिए अपने, तो वोटिंग पावर 8 लाख ही मानी जाएगी। तो जब मैं डिनोमिनेटर में 8 लाख लूँगा तो ईपीएस बढ़ेगी। एक और बात, ये जो अपने शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं इस पर डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, इस पर वोटिंग राइट भी नहीं मिलेगा, ना डिविडेंड मिलना है ना वोटिंग राइट, तो आप इसको कैंसिल ही मानो, बस हमने कॉन्ट्रा में इक्विटी रखी हुई है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में बाहर हो जाता है। तो ये जो 30 लाख शेयर आपको नज़र आ रहे हैं और उसमें से 5 लाख ट्रेजरी शेयर्स हैं, तो आप ये मान के चलो कि शेयर 25 लाख ही हैं आपके, डिनोमिनेटर में 25 लाख ही लिखेंगे। तो अपने शेयर्स का टेक ओवर अवॉइड करने के लिए हम ट्रेजरी शेयर्स रख सकते हैं, ईपीएस को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा, कुछ टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? स्टॉक मार्केट में जो शेयर की ट्रेडिंग हो रही है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से भी लो प्राइस पे हो रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू को बुक वैल्यू पर शेयर मानते हैं। कंपनी का शेयर मार्केट में बुक वैल्यू से नीचे आ गया, कंपनी को लगता है यार ये तो इंट्रेंसिक वैल्यू से भी नीचे आ गया, तो कंपनी ने अपने शेयर सस्ते रेटों पे खरीद के रख लिए, और जब रेट बढ़ा इसको री इशू कर दिया। इसको री इशू भी किया जा सकता है, इसको री इशू कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, कंपनी की चॉइस है। तो जब सस्ता खरीदेंगे और महंगा री इशू करेंगे तो कंपनी को टैक्स पड़ेगा ही नहीं। ये अनरियलाइज जो गेन है आपका जो नज़र आ रहा है आपको, इस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं पड़ता आपको। तो कंपनी अपने शेयर्स को कॉन्ट्रा इक्विटी में रख सकती है। तो या तो कंपनी कैंसिल कर दे या इसको री इशू करे, दोनों केस कंपनी के पास खुले रहते हैं। ये इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट इन्होंने डाला। ये आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा बेटे, तो वो पॉइंट इन्होंने इस क्वेश्चन में डाल दिया। कंपनी पी हैज बोथ ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी मीन्स इक्विटी शेयर्स, इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू, इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स। इनके पास कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको इक्विटी क्लासिफाई किया गया है। पक्की बात है ये इरिडीमेबल होंगे, क्योंकि जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और ऊपर से नॉन क्यूमुलेटिव भी हैं, उन्हीं को इक्विटी क्लासिफाई मानते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इरिडीमेबल है और आपने उसे इक्विटी कंपोनेंट क्लासिफाई कर दिया, तो वो फिनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इस पे जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव होंगे भाई, इक्विटी तो क्लासिफाई तभी हो सकता है ना, अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव है तो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इक्विटी क्लासिफाई कैसे होगा, जब दो फीचर होंगे, एक तो इरिडीमेबल और ऊपर से डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव होगा, तभी तो मानेंगे इसको इक्विटी क्लासिफाइड। तो जब डिविडेंड आएगा तब हम उसको माइनस कर लेते हैं प्रॉफिट में से ईएई निकालने के लिए। तो नेट प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपकी ईएई आएगी। इंडिया 33 के वीडियोज में सब कुछ समझाया हुआ है। अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होती
तो उसका ब्याज नेट प्रॉफिट की कंपोटेशन से पहले ही कट जाता है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का इंटरेस्ट हम नहीं लेते। लेकिन अगर इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर बता रहा है आपको, तो इसका नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड आपको लेना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन बताएगा तो। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर द ईयर वन। सबसे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बताया जा रहा है 46 लाख रुपए। मैं नेट प्रॉफिट लिख लेता हूँ। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर हमें क्वेश्चन कहता है 15 फरवरी को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। नॉन क्यूमुलेटिव मैंने आपको बताया था, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी क्लासिफाई होते ही तभी हैं। 1.2 पर शेयर, 1. अगर मेरे पास 5 लाख शेयर हैं तो 6 लाख रुपए बनता है ये, तो मैं इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगा 6 लाख रुपए का। लो जी, वर डिक्लेयर्ड, ठीक है जी। द डिविडेंड्स वर पेड ऑन 15th of March। डिक्लेयर भी हो गया, पे भी हो गया, माइनस भी कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन एडिशनल डिविडेंड्स विद ऑर्डिनरी शेयर्स। इसके अलावा इनको और कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसके अलावा इनको और कुछ नहीं मिलेगा, तो ये जो 46 लाख रुपए हैं, इसमें से ये अपना हिस्सा लेके साइड में हो गए, तो बाकी का जो प्रॉफिट है वो ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए बचेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ देना नहीं है आपने। डिविडेंड्स ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पस। इसकी टैक्स की डिडक्शन मान रहा है कि आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगी इसकी, और जो इनकम टैक्स है वो 30% है। इसका मतलब टैक्स सेव हो जाएगा आपका, टैक्स सेविंग, 1,80,000 रुपये का टैक्स बचेगा आपका। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं जब आप पे करोगे तो आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड को जो आप पेमेंट करेंगे वो एक्सपेंस क्लेम होगा, एक्सपेंस क्लेम होगा, तो नेट ऑफ टैक्स 4:20 बनता है आपका। ये हजम कर लो ये बात, आपको इसका लॉजिक समझ में आए या ना आए, कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स सेविंग कैसे हो जाएगी? ये कोई खर्चा थोड़ा ना होता है, ये तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। टैक्स सेविंग कैसे? क्वेश्चन ही भगवान है, जो कह दिया वो कर दो, ज़्यादा इफ बट नहीं कर सकते हम। और आजकल वैसे भी गधे पेपर चेक कर रहे हैं, जो जो कह रहा है बस कर दो, लॉजिक नहीं है आजकल। अब तो डंडा चल रहा है सर ICAI का। तो ये आपका EAE आ गया, 46 लाख में से मैं माइनस कर देता हूँ 4:20, 41,80 आ गया जी। नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड की बात की, हमने माइनस कर दिया। अच्छा, फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी? नंबर ऑफ शेयर्स, 1 अप्रैल को 30 लाख शेयर, 5 लाख ट्रेजरी शेयर। नहीं, मैं 1 अप्रैल को लिखूंगा कि मेरे पास शेयर ही कितने हैं, 25 लाख हैं, 30 लाख है ही नहीं। जो ये जो ट्रेजरी शेयर्स है, ये अपने शेयर्स हैं, कैंसिल ही मानो आप, इसको काउंट नहीं कर सकते, ना डिविडेंड जाएगा ना वोटिंग पावर है। री इशू कर देंगे तो दोबारा नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, री इशू नहीं करेंगे ये एज इट इज पड़े रहेंगे। 25 लाख है मेरे पास। 15 अप्रैल को इन्होंने बोनस इशू किया है। सारे बच्चों को पता है कि बोनस इशू में ये जो डेट है इररेलीवेंट होती है, डेट नहीं देखते हम कभी भी, क्योंकि बोनस शेयर्स पे वेटेड एवरेज काम नहीं करती, तो बोनस शेयर्स बाद में सीधे ऐड कर देंगे हम। कितने परसेंट बता रहे हैं जी? 5% है। अगर बोनस शेयर 5% है तो मेरे पास 25 लाख हैं, इसका 5%, 1,25,000। और आप देख लो, पहले इन्होंने 5% 1.5 लाख किया, बाद में 25,000 कैंसिल कर दिए। जो शेयर खुद के पास पड़े हैं उस पर कैसा बोनस शेयर? तो सीधा ही बोल देते कि 25 लाख का 5% 1.25 लाख है। ये 1.25 लाख जो शेयर हैं ये बोनस वाले हैं, मैं इनको बाद में सीधा ऐड कर दूंगा, मैं टाइम फैक्टर नहीं लगा रहा इसके ऊपर, तो डेट मैंने पढ़ी नहीं। उसके बाद है 1 मई, इन्होंने मार्केट से रीपरचेज कर लिए हैं 2 लाख शेयर, तो ये मेरे पास हो गए हैं 23 लाख, 2 लाख रीपरचेज हो गए हैं। फिर 1 नवंबर को इन्होंने इशू कर दिए हैं 4 लाख,
4 लाख, तो ये हो गए 27 लाख, है ना। तो अगर मैं देखूं तो 25 लाख, इस पे करूंगा मैं 1/12। फिर मेरे पास है 23 लाख, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने, 6/12। फिर मेरे हो गए 27 लाख, नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 5 महीने, 5/12। तो करो ना ज़रा, 25 लाख का 1/12, 208333। फिर 23 लाख का 6/12, 11,50,000। फिर 27 लाख का 5/12, यह है 11,25। इनका लगाओ टोटल, फोर 8333, और इसमें ऐड करेंगे सीधा बोनस शेयर। कितने बोनस शेयर्स हैं? 1,25। बोनस शेयर तो सीधा ही ऐड होते हैं। टोटल हो गया 26 लाख, 26 लाख, 2608333। ईपीएस निकालनी है, ये लो ईपीएस, 41,80,000 मेरा न्यूमरेटर है, प्रॉफिट है जो मेरा, और 26,08,333 मेरा डिनोमिनेटर है, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये ट्रेजरी शेयर्स को देख के घबराना नहीं है, ये अपने शेयर्स हैं, इक्विटी को कॉन्ट्रा मान के काट देते हैं इसको हम। कहो तो क्वेश्चन बहुत टफ है, कहो तो कुछ है नहीं, इसका आंसर दिखाऊं आपको। ये देखो आप, ये इनका ईएई है और ये इनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। इन्होंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस में ही बोनस को ऐड कर लिया और यहाँ पे बना ली इन्होंने 26,25, और फिर 1/12, 6/12, 5/12। जब 26,25 के अंदर बोनस इंक्लूड है और फिर 12/12 लगा रहे हो, तो बोनस शेयर पे टाइम फैक्टर काम नहीं कर रहा। कहीं आप मिस इंटरप्रिटेशन ले जाओ, सर बोनस, इन्होंने बोनस इंक्लूड करके टाइम फैक्टर लगा रखा है, नहीं। 26,25 के अंदर 1,25 का बोनस है, और इस ये 26,25 है, 1/12, फिर आगे कैरी हो गया 6/12, फिर आगे कैरी हो गया 5/12, 1, 6 और 5, 12/12। तो ना तो ओपनिंग बैलेंस पे टाइम फैक्टर काम कर रहा है और ना ही बोनस शेयर्स पे टाइम फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि अगर कोई नंबर ऑफ शेयर सारे कैलकुलेशंस में है तो वो 12/12 है। मैंने बोनस शेयर बाद में ऐड किए हैं जैसे हम क्लास में करते थे, क्योंकि बोनस शेयर्स पे टाइम फैक्टर काम करता ही नहीं। इन्होंने भी नहीं किया, बस दिखाने के लिए लग रहा आपको, क्योंकि 12/12 ही आ रहा है उसके ऊपर भी। हमारा आंसर सेम है, कोई हमारा कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, हल्का सा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, 1% झगड़ा नहीं है हमारा किसी भी पॉइंट पे। अच्छा जी, फिर इसके बाद INDAS 8, ये तो पुराना क्वेश्चन है जी, कट कॉपी पेस्ट है, मैंने नोट किया हुआ है, मैं देख के बताता हूँ। ये आपकी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ये तो कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गया जी, ये मेरे को नहीं कराना, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ, आप देख लेना। INDAS 109 16th क्वेश्चन, पढ़ते ही आपका मन खुश हो जाएगा। इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ का मतलब फेयर वैल्यू, एंटिटी एक्स ने 10,000 कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं कंपनी जेड के, और कैश दे दिया 40,000 रुपये।
मैं अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदूंगा तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। मैंने 10,000 प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं और 40,000 रुपये की कीमत है उसकी, लेकिन हुआ क्या, विद 25,000 पेबल इमिडिएटली, ये जो 40,000 रुपये हैं इसमें से 25,000 रुपये तो अभी देने हैं और जो बाकी के जो 15,000 रुपये हैं एंड ₹15,000 पेबल इन 2 ईयर्स, ये जाएंगे 2 साल बाद। और जैसे क्वेश्चन ने बोला 2 साल बाद, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बीच में आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई डेफर्ड पेमेंट 1 साल से ऊपर जाती है हम उसे डिस्काउंट करते हैं, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मान के प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, उसे हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपको इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। मार्केट रेट बता रहे हैं जी 6% है, आपको कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। तो सबसे पहले तो आप डिस्काउंटिंग करोगे, ये जो 15,000 है 1/106, इसका पीवी फैक्टर 2 बताओ जी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, 1, 2, ये बनता है जी 0.889, तो 0.889। ₹0.90 मान लो, 13,500, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बनती है 25 और 13, 38,500 टू बैंक, 25,000 टू पेबल कितना, 13,500। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट डेबिट टू पेबल 13,500 का 6%, 810 रुपये, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट 810, 810 राइट ऑफ हो गया। अगले साल फिर यही करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल 13,500 प्लस 810, बैलेंस चेंज हो गया 14,310। अब इसका करेंगे 6%, तो ये बनता है 15,000 15,000 ना, 690 रुपये, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है ये, एक्चुअली राउंडिंग ऑफ की वजह से हो रहा है। ये जो 100-150 रुपये का फर्क आपको मिल रहा है ना, तो ये आ रहा था 0.8899, मैंने इसको कर लिया था 0.9, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से हो रहा है। ये 13,500 0.9 के हिसाब से लिए थे, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे वो टैली हो जाएगा। तरीका तो आपको पता ही है ना, क्वेश्चन कोई मुश्किल थोड़ा ना है, ये तो इंडेक्स 40 जब हम पहला लेक्चर अटेंड करते हैं वहीं से शुरू कर लेते हैं। आपकी प्रॉपर्टी हो तब भी ये एंट्रीज हैं, आपने उधार खरीदी हो, स्टॉक उधार खरीदा हो तब भी ये एंट्रीज हैं, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपने इन्वेस्टमेंट उधार खरीदी तो भी ये एंट्रीज हैं। डिस्काउंटिंग करनी है और ब्याज को पी एंड एल में डालना है और पेबल पे ब्याज लगाना है, ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, और बाद में पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 690, और लास्ट में क्या लिखेंगे, पेबल टू बैंक। ये पता नहीं बेटे कितने क्वेश्चंस में हमने ये किया होगा, ये क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ पेपर में आ जाए, डिस्काउंटिंग करके ब्याज लगा लगा के दिखाना है। और आपको ये पता है कि इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं कर सकते हम, तो पहले जितनी भी पेमेंट डेफर्ड है उसका ब्याज बाहर निकाल दिया, बाकी को कॉस्ट मान लिया, ब्याज लगा लगा के पी एंड एल में ले गए। हमने ये इंडेस 40 में भी पढ़ा,
हमने इंडिया 16 में भी पढ़ा अगर कोई पीपी उधार खरीदते हैं तो, फिर हमने इंडिया 38 में पढ़ा इंटेंजिबल्स में। जब जब कोई एक्विजिशन डेफर्ड क्रेडिट पे होता है हम यही करते हैं, कुछ है ही नहीं जी बताने के लिए मेरे पास। IND AS 24, IND AS 109, हमने क्लास में एक क्वेश्चन किया था फाइनेंशियल गारंटी वाला, अगर आपको याद हो तो, गारंटी वाला एक क्वेश्चन किया था हमने, फाइनेंशियल गारंटी वाला एक क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के बिहाफ पे बैंक को गारंटी दी थी और उनका जो इंटरेस्ट का रेट है वो 11% से 8% हो गया था। ये RTP MTP के क्वेश्चन बैंक में भी डाला हुआ है, क्योंकि पुराने RTP MTP में था और RTP MTP में मैंने करवाया हुआ है। होल्डिंग ने सब्सिडरी के बिहाफ पे गारंटी दी और बैंक ने उनका ब्याज का रेट कम कर दिया 11% से 8%, तो 3% का जो ब्याज का वेवर आया वो गारंटी की वजह से आया कि होल्डिंग पीछे खड़ा है सब्सिडरी के। तो बैंक कहता है यार इतनी स्ट्रांग कंपनी की गारंटी आ रही है, ब्याज भी सस्ता कर दिया, और हमने फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग की थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कंपनी हैज़ अप्लाइड फॉर अ लोन फ्रॉम अ बैंक बिजनेस पर्पस, कंपनी को लोन चाहिए बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। एज पर द लोन अग्रीमेंट द लोन रिक्वायर्ड अ पर्सनल गारंटी ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी टू बी एग्जीक्यूटेड। डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी चाहिए, डायरेक्टर की गारंटी पे लोन मिलेगा। इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बाय द कंपनी द डायरेक्टर विल बी रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस दैट बैंक इनकर्स। जब डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी है तो अगर फ्यूचर में कोई लॉस हुआ तो डायरेक्टर अपनी जेब से बियर करेगा। मिस्टर जॉय हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, इन्होंने गारंटी दी है कंपनी के बिहाफ पे और कंपनी को लोन सैंक्शन हो गया। जैसे ही डायरेक्टर ने गारंटी दी लोन सैंक्शन हो गया। कंपनी डज नॉट पे प्रीमियम और फीस टू द डायरेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल गारंटी। कंपनी ने ना तो कोई प्रीमियम, ना कोई फीस, ना कोई कमीशन, कुछ नहीं दिया। डायरेक्टर ने गारंटी दी है लेकिन इस गारंटी के बदले में कंपनी ने डायरेक्टर को कुछ नहीं दिया। जब कंपनी ने डायरेक्टर को कुछ पे ही नहीं किया तो फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग करें तो क्या करें? वैसे तो गारंटी की अकाउंटिंग बनती है क्योंकि डायरेक्टर ने लोन दिलवाया है, और अगर फ्यूचर में कोई डिफॉल्ट होगा तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा। कंपनी का इतना बड़ा बेनिफिट डायरेक्टर ने कराया लेकिन उसके बदले में कंपनी ने उसको कुछ दिया नहीं। अगर कंपनी देती तो फाइनेंशियल गारंटी की तरह हम अकाउंटिंग कर लेते, पर कुछ पे ही नहीं हुआ इसलिए गारंटी की अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। होनी चाहिए पर नहीं हो पाएगी। तो ये तो हो गया 109 की बात कि गारंटी की अकाउंटिंग बनती तो है लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि कोई भी पेमेंट नहीं हो रही इसमें। वेदर SCL इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल गारंटी रिसीव्ड फ्रॉम इट्स डायरेक्टर। यस, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज कंपनी हैज़ नॉट पेड इवन अ सिंगल रुपी टू द डायरेक्टर इन लियो ऑफ द गारंटी। जब कुछ हुआ ही नहीं तो हम करें क्या? विल देयर बी एनी डिस्क्लोजर अंडर IND AS 24? आंसर इज यस। IND AS 24 किस चीज़ के ऊपर है? रिलेटेड पार्टी पे। डायरेक्टर आपको पता है रिलेटेड पार्टी है कंपनी का, तो डायरेक्टर ने अगर कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दी है तो बिल्कुल IND AS 24 में डिस्क्लोजर करेंगे, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। और मैंने आपको बताया था अमाउंट इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन अगर कुछ आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है अमाउंट मैटर नहीं करती, आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। तो रिलेटेड पार्टी में जाएगा कि डायरेक्टर ने कंपनी के बिहाफ के ऊपर गारंटी दे रखी है और कंपनी ने इसके बदले में कुछ भी नहीं दिया। ये दो बातें इस क्वेश्चन में थी। अच्छा, इसका अगर मैं अगर आपको आंसर दिखाऊं तो
ये तो पूरा आंसर चिपका देते हैं, सीधी सी बात है। इन द गिवन केस कंपनी इज द बेनिफिशियरी ऑफ द गारंटी एंड इट डज नॉट पे अ प्रीमियम और फीस टू द डायरेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग दिस गारंटी अकॉर्डिंगली कंपनी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर सच फिनेंशियल गारंटी इन इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडरिंग द यूनिट ऑफ अकाउंट एज बींग गारंटेड लोन इन विच केस द फेयर वैल्यू मैथड वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी फेस वैल्यू ऑफ द लोन प्रोसीड्स। इस लाइन का मतलब समझते हो? इसका मतलब सिर्फ यही है कि बैंक से जितना पैसा आया वही फेस वैल्यू है, वही फेयर वैल्यू है, क्योंकि हमने उसमें से एक सिंगल पेमेंट डायरेक्टर को नहीं की। अगर मेरे पास बैंक से लोन आ रहा है 10 लाख का और मैं उसमें से एक प्रीमियम दे रहा हूँ डायरेक्टर को मान लो 20,000 रुपये का, तो मेरे नेट प्रॉफिट 980 हो जाते। तो मेरे पास जितना पैसा आया वो उतना ही है, मैंने कुछ दिया ही नहीं उसको, तो मेरी फेस वैल्यू फेयर वैल्यू सेम है इसमें, जितना पैसा मेरे पास आ गया। लोन प्रोसीड्स की बात ये लिखी हुई है इसमें। फिर क्वेश्चन कहता है जी कि इसको इंडिया 24 के हिसाब से डिस्क्लोज़र करना चाहिए, और डिस्क्लोज़र का मतलब वो नोट्स लिखे हुए हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट आंसर लिख के आ सकते हैं अपना। बच्चों को तो पेपर में क्वेश्चन ही नहीं समझ आते सर। लो जी इंडियस 38, अगर आपको मैं इनटेंजिबल का पॉइंट याद कराऊं 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशन में, आप अपनी कॉपी खोलें और अपनी कॉपी में पढ़ें कि इंडियस 103 में जब एक्विजिशन होता है एसेट्स का फेयर वैल्यू पे, तो मैंने आपको बताया था कि एक्वायरी के पास इनटेंजिबल हो सकते हैं। किसके पास? एक्वायरी के पास इनटेंजिबल हो सकते हैं, लेकिन एक्वायरर उन इनटेंजिबल्स को अपनी बुक्स में तभी जगह देगा जब दो में से एक चीज़ सेटिस्फाई होगी, पहला लीगल क्राइटेरिया और दूसरा सेपरेट क्राइटेरिया। दो में से एक क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी होता है। इंडियस 103 में जब हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा था और एक एक्वायरर एक्वायरी के पास जाता है उसके एसेट्स को एक्वायर करने के लिए फेयर वैल्यू पे, तो एक्वायरी के पास इंटेंजिबल हो सकते हैं, तो एक्वायरर उसके इंटेंजिबल को अपनी बुक्स में तभी रिकॉर्ड करता है जब वो इंटेंजिबल इन दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा करके आ रहा हो, या तो लीगल क्राइटेरिया, मतलब आपके एक्वायरी के पास इंटेंजिबल के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, उसके पास रजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट है कि उसके नाम पे है, फिर तो डिस्प्यूट ही नहीं है। दूसरा क्या था? दूसरा था सेपरेट होने वाली कंडीशन, कि आप इसे मान लो मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन मैं इसको बाकी एसेट से इसको सेपरेट कर सकता हूँ। अगर मैं सेपरेट नहीं कर सकता तो गुडविल में इंक्लूड हो जाएगा ये। जब किसी एसेट को आप अलग से जगह नहीं दोगे तो आपको पता है बैलेंसिंग फिगर गुडविल होती है, तो वो सब चीज़ें गुडविल में चली जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सेपरेटली जगह दे सकते हैं क्योंकि वो बाकी एसेट से वो डिस्टिंग्विश है, वो आइडेंटिफाई हो सकता है, तो हम उसको अलग मानेंगे। तो ये दो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए हुए हैं और उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन ये कहता है एन एंटिटी एक्वायर्ड टू ट्रेड सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट रेसिपी है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, जो रेसिपी ए है ये पेटेंट है, पेटेंट का मतलब मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो रेसिपी बी है ये लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब एक में लीगल क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और एक में लीगल क्राइटेरिया फेल हो रहा है। जिसमें लीगल क्राइटेरिया फेल हो रहा है उसमें हम सेपरेट वाली कंडीशन चेक कर लेंगे। हाउ द एक्विजिशन ऑफ रेसिपी ए एंड रेसिपी बी वुड बी अकाउंटेड फॉर एंटिटी एज पर रेलिवेंट इन डी एस, कहानी सुनानी है सिर्फ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आपको पहले लिखना है 103 का पूरा वो नोट जो मैंने कॉपी में लिखवा रखा है कि जी लीगल क्राइटेरिया ये होता है और सेपरेट वाले क्राइटेरिया ये होता है।
सेपरेट एबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है, सेपरेट एबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया वो ये है, दोनों डिफाइन कर दिया आपने। फिर हम लिखेंगे जो रेसिपी ए है ये लीगली प्रोटेक्टेड है, इसके पास लीगल प्रोटेक्शन है, तो ये लीगल क्राइटेरिया फुलफिल करके आ रही है। इसको तो आप बिना किसी डाउट के आप रिकग्नाइज कर ही लो, रेसिपी ए इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड इट्स पेटेंटेड, सो वी कैन रिकग्नाइज रेसिपी ए विदाउट एनी डाउट बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द लीगल क्राइटेरिया। बट रेसिपी बी इज नॉट लीगली प्रोटेक्टेड, सो वी विल चेक द कंडीशन ऑफ सेपरेटेबिलिटी, इफ इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेट सेट फ्रॉम अदर्स इट कैन बी रिकग्नाइज इन द बुक्स। बात खत्म, कहानी खत्म, इतनी बात लिखनी है आपने, थ्योरेटिकल वे में लिख के आना है। जो आपने पढ़ा हुआ है अगर वो रिटेन्ड है कंडीशन चेक हो जाएगी। अगर आपको मेरी बताई हुई बात क्लिक नहीं कर रही, अभी तुरंत मुझे पॉज करो, कॉपी खोलो अपनी और देखो इनटेंजिबल हमने 103 में कैसे रिकग्नाइज किया था, दोनों क्राइटेरिया वहां लिखे होंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये तो सर पुराना क्वेश्चन है मेरा, करवाया हुआ है, ये है May 21 की RTP का क्वेश्चन है, और ये हमारा जो न्यूली एडेड क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन नंबर क्लास बुक का ये 4 है, 3 है जी, ये RTP का क्वेश्चन है May 21 का। सारे RTP के वीडियोस मेरी वेबसाइट पे ओपन पड़े हैं, और पक्की बात अगर ये RTP का क्वेश्चन और मैंने करवाया हुआ है तो जो RTP MTP वाला क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया था उस क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन होगा, वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं आप, क्लास में कराया हुआ है, तो जो चीज़ करा चुका हूँ उसको दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 इंड एज 34 का है, IFR का है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप सेल्फ रीड कर लेना यार। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में आपको रिपोर्टिंग पीरियड्स बताने, ये RTP से आप सेल्फ रीड कर लेना, एक आधा क्वेश्चन खुद भी करना चाहिए, वैसे तो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, एक आधा क्वेश्चन आप खुद कर लेना। RTP के ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, एक तो इसमें आप इंड एस 116 का क्वेश्चन एग्जाम्स में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, इंड एस 33 का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, और वो जो पहला आसान क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला वो भी 5 से 7 नंबर के लिए आ सकता है, उसमें कुछ था ही नहीं। अगर हम बैलेंस शीट जोड़ दें तो 10 नंबर का बन जाता है, क्योंकि फॉर्मेट वगैरह बनाने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। ये 2-3 क्वेश्चन हैं बेटे, बाकी तो कुछ है ही नहीं इस पूरी RTP के अंदर। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ अमेंडमेंट्स में, ये देखो आपके दो तरह के अमेंडमेंट्स हैं, ये आपके दो तरह के अमेंडमेंट्स हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ बेटे सारे अमेंडमेंट्स, कुछ है नहीं आपके पेपर से रिलेटेड नहीं है, मैं इतनी बात कह सकता हूँ, ठीक है RTP में छाप दिए, इनके कौन सा पैसे लगते हैं छापने के, इनको पता ही नहीं बच्चों के लिए क्या रेलेवेंट है, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो बेटे जो अमेंडमेंट्स है ना आपके, ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें इन्होंने CSR के रिलेशन में अमेंडमेंट्स दिए हैं, अमेंडमेंट्स टू दी कंपनीज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 14, और ये इन्होंने इशू किए हैं सितंबर 22 में, May 23 के लिए एप्लीकेबल हैं। ये क्या करते हैं, ये सोचते ही नहीं कि फिनेंशियल रिपोर्टिंग में जो CSR है वो अकाउंटिंग प्रस्पेक्टिव से है, और जो कंपनी लॉ में जो CSR हम पढ़ते हैं वो सेक्शंस के हिसाब से पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, CSR के रूल्स में चेंजेस आए उठाया, चल भी आपकी RTP में, ये सोचते ही नहीं कि जो चीज़ हम दे रहे हैं वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है। CSR का बड़ा ही लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है हमारे अकाउंट्स में, FR में, हम अकाउंटिंग तक सीमित हैं, जितने क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस के रिगार्डिंग है। कंपनी लॉ में आप बारीक से बारीक रूल पढ़ते हैं सेक्शन से रिलेटेड, अब रूल्स में चेंजेस आए, इनको ये चेंजेस छापने चाहिए कंपनी लॉ की RTP में,
और छाप रहे हैं एफ आर में, हो सकता है रेलिवेंट हो या ना हो। अब छाप दिए, अब बच्चे की एक्सपेक्टेशन नहीं। सर आप बताओ, अब मैं आपको जितना मर्जी कह लूँ कि ये सब बेकार की चीज़ें छापी हैं इन्होंने, नहीं जी आप बताओ, आप तो अवॉइड कर रहे हो चीज़ों को, तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप बोलो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई चीज़ काम आ जाएगी, एक भी चीज़ काम नहीं आएगी। आपके एफ आर के पेपर में आ जाएगी, नहीं आएगी। लेकिन मैं बताना मजबूरी है जी, अब छाप दिए तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सोचते नहीं कि बच्चा परेशान हो रहा है। अब बच्चे को तो लगता है अमेंडमेंट है, सर ने बताई नहीं है। अब बता देता हूँ, आप सुन लेना। दूसरा पार्ट, ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये बताई गई हैं NDAs के अंदर और ये मैंने आपको नवंबर 22 एग्ज़ाम्स के लिए जो RTP कराई थी उसमें सारे अमेंडमेंट्स ये मेरे बताए हुए हैं। इन्होंने रीप्रिंट कर दिए हैं, ये रीप्रिंटेड हैं। और अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं, नवंबर 22 एग्ज़ाम की RTP डाउनलोड करें और देखें कि क्या ये अमेंडमेंट्स वहाँ पे भी हैं। आपको सारे मिलेंगे। फिर आप देखें कि जिंदल सर ने जब नवंबर 22 एग्ज़ाम्स के लिए RTP कराई थी, क्या उसके आखिरी के 30 मिनट्स में ये सारे अमेंडमेंट बताए थे? तो मैं आपको बताता हुआ मिलूंगा। यूट्यूब पे पढ़ी है वो RTP, मेरी वेबसाइट पे भी पढ़ी है, आखिरी के 30 मिनट्स में समझाई हुई है। मैं फिर भी बता देता हूँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जो 24 अगस्त को मैंने एक RTP मैंने नवंबर 22 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिंट की थी। टेलीग्राम पे जाओ, 24 अगस्त का मैसेज देखो, 24 अगस्त 2022, मेरी बात समझ रहे ना, 24 अगस्त 2022 का टेलीग्राम पे मैसेज देखो, उसमें RTP मैंने शेयर की हुई है नवंबर 22 एग्ज़ाम की। ये सारे अमेंडमेंट वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं सारे, मैं ये करवा चुका हूँ। इन्होंने रीप्रिंट कर दिए हैं बिना सोचे समझे। इनको लगा शायद बच्चे ने पिछली RTP में पढ़ा नहीं होगा। तो अगर किसी बच्चे ने NDAs वाला अमेंडमेंट का वीडियो नहीं देखा, वो तुरंत 24 अगस्त 2022 का मैसेज टेलीग्राम पे देखे, सर ये टेलीग्राम क्या चीज़ है? फर्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि सारे अमेंडमेंट्स और अपडेट्स टेलीग्राम पे आएंगे। कुछ नहीं करना, CA प्रवीण जिंदल FR चेक, FR ये सर्च करना टेलीग्राम पे। आपकी किताब के ऊपर भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अब तो मैंने जब ये जो हमारा न्यू कोर्स आएगा अभी, तो न्यू कोर्स में जो नई किताबें बनेंगी, मैं तो टेलीग्राम का ना उसमें वो QR कोड ही प्रिंट कर दूंगा कि स्कैन करके आप सब्सक्राइब कर लो, ढूंढना ना पड़े किसी बच्चे को, काम ही ख़त्म। तो ये डिस्कस किया हुआ है, मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। ये नवंबर 22 एग्ज़ाम की RTP में लास्ट के 30 मिनट्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो चीज़ करवाई हुई है वो रीप्रिंट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, CSR में आते हैं। CSR में इनका पहला अमेंडमेंट और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी का। इन्होंने अमेंडमेंट ये की है कि अगर CSR अकाउंट में कोई भी एक्सपेंडिचर अनस्पेंट रह जाता है, अगर CSR अकाउंट में कोई भी पैसा अनस्पेंट रह जाता है, मतलब खर्च नहीं किया इन्होंने, वो पड़ा है इनके पास, तो इनको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। एज पर दी अमेंडमेंट अ प्रोविजो हैज बिन एडेड। ये जो लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज है, कहाँ हम FR में मत्था मार रहे हैं। स्टेटिंग दैट अ कंपनी दैट हैज एनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन इट्स अनस्पेंट CSR अकाउंट, अनस्पेंट CSR अकाउंट शुड कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी। अगर इनके अनस्पेंट CSR अकाउंट में कोई भी पैसा आउटस्टैंडिंग है, अगर इनके अनस्पेंट CSR अकाउंट में कोई भी पैसा आउटस्टैंडिंग है, इनको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट इन्होंने ऐड किया है जी। ओमिशन ऑफ रूल ये छोड़ दो आप, रूल खत्म हो गया कहते जी, ये वैसे भी मेरे नॉलेज में है नहीं, मैं कौन सा लॉ पढ़ता हूँ जी इसमें।
अपा तो एफ आर के टीचर हैं, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है बेटे, एफ आर के लिए रेलिवेंट नहीं है। फिर इन्होंने तीसरा पार्ट ऐड किया है इसके अंदर, ये तीसरा पार्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज ये इन्होंने इंक्लूड किए हैं। आपको अच्छी तरह से पता है अगर किसी कंपनी पे सीएसआर रूल लगते हैं तो या तो वो कंपनी सोशल एक्टिविटीज़ खुद कंडक्ट करे, या फिर वो जो लोग सोशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं उनको पैसा दे दे। दो ही काम होते हैं ना, हमने क्लास में पढ़ा था भी, या तो सोशल एक्टिविटी आप खुद करो क्योंकि सीएसआर ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, तो या फिर आप किसी ऐसी एनजीओ को पकड़ लो जो सोशल एक्टिविटी कर रही है, आप उनको पैसा दे दो तो भी वो सीएसआर ही माना जाएगा। तो इन्होंने कुछ एजेंसीज़ को इंक्लूड किया है जो इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में मतलब इन्वॉल्व है और वो अलाउड है, अगर आप उनको पैसा देते हैं तो सीएसआर माना जाएगा, सीएसआर एक्सपेंस माना जाएगा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एनी फंड और इंस्टीट्यूशन जो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, किस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए है, चाहे वो थ्रू आउट इंडिया काम करते हो या किसी स्टेट में काम करते हो, अगर कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है एनजीओ, अगर आप उसको पैसा देते हैं तो वो सीएसआर है आपका। आप यूट्यूब चलाते हैं उस पर इम्पैक्ट गुरु, कीटो, कई एड्स आते रहते हैं, डोनेशन कार्ड, तो ये सब लोग चैरिटेबल ट्रस्ट ही चला रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग इनको ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप इन लोगों को कंट्रीब्यूट करके अपना सीएसआर क्लेम कर सकते हैं, पहली बात तो इन्होंने ये बोली है। तो इसमें चैरिटेबल पर्पज में तो फिर इसका मतलब सारे एनजीओज ही आ गए जिनका प्रॉफिट मकसद नहीं है, वो चैरिटेबल है। फिर इन्होंने ऐड किया जी इसमें तीन चीज़ों को, रिलीजियस एक्टिविटीज़, मंदिर आ गए उसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और तीसरा इसमें है हॉस्पिटल्स। लेकिन तीनों का मकसद प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। पहला रिलीजियस, होली फॉर द पब्लिक रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अयोध्या में मंदिर बन रहा है श्री राम का, रिलीजियस एक्टिविटी है, नॉन प्रॉफिट, वहाँ कोई प्रॉफिट कमाना इरादा नहीं है उस संस्था का, तो वहाँ पे अगर आप पैसा देते हैं तो अलाउड है। कोई यूनिवर्सिटी या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस। तीसरा कोई हॉस्पिटल है जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। मंदिर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, अगर आप उनको देते हैं पैसा तो इनको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज में इंक्लूड कर लिया गया है। तो अगर आप इनको पैसा देंगे तो भी सीएसआर माना जाएगा। चलो ये बात तो नॉलेजेबल थी, बात समय में आती भी है। फिर इन्होंने एक और अमेंडमेंट ऐड किया है सर, कोई इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं ये। अब सर है तो ये लॉ से रिलेटेड, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जितना मेरे को पता है, मेरी लॉ में बहुत ही लिमिटेड लैंग्वेज में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि जो बंदा एन डी एस पढ़ता रहता है सारे दिन, कंपनी लॉ में क्या लिखा है, किस रूल में क्या, मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है सर। मैं देखो डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ, मैं ऐवें इंप्रेशन मारता रहा आपके ऊपर उसका कोई फ़ायदा नहीं, जो बात सच है वो सच है। मैं कंपनी लॉ नहीं पढ़ता, मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितने मेरे लिए रेलिवेंट है, जितना एन डी एस में काम आता है बस। अब मैं बता देता हूँ मैंने जो पढ़ा है इसमें, अगर कोई कंपनी है और उसका सी एस आर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है पिछले 3 साल में, मतलब सी एस आर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ से ज़्यादा है पिछले 3 साल में, तो रूल ये कहते हैं कि ये अपने सी एस आर प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएंगे किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। अगर किसी कंपनी पे सी एस आर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ से ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा, तो उस कंपनी को अपना एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा जितने भी इनके सी एस आर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं।
इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा कि सही खर्च हुआ पैसा, इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ से ज़्यादा है। पॉइंट नंबर टू, इंडिपेंडेंट एजेंसी से इम्पैक्ट असेसमेंट कराएंगे अपने सीएसआर प्रोजेक्ट्स का, और उन सारे प्रोजेक्ट्स का जिसमें कैपिटल आउटले 1 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब तक ये इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है, जब तक ये इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है, तब तक तो अप्रूवल की रिपोर्ट नहीं आएगी। मान लो किसी प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है अभी और आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है, तो जब तक वो इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट नहीं आएगी आप खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। तो उस एक्सपेंस को क्लेम करने के लिए एक लिमिट दी गई है कि जब तक आपका इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है तब तक आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट अपने P&L में क्लेम कर सकते हैं। उसमें अमेंडमेंट आया है, इम्पैक्ट असेसमेंट के दौरान जो CSR आप क्लेम कर सकते हैं उसमें अमेंडमेंट आया है। पहले क्या था, पहले ये कंपनी बुक कर सकती थी 5%। 5% किस चीज़ का, टोटल CSR एक्सपेंडिचर का, टोटल एक्सपेंडिचर का 5% या 50 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। जब तक प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है तो इम्पैक्ट असेसमेंट की अभी रिपोर्ट नहीं आई है तो भी आप खर्चा क्लेम कर सकते थे जितना भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर बनता है उसका 5% या 50 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, आप खर्चे में डाल सकते हो। लेकिन अब इसको 5% की जगह 2% कर दिया इन्होंने, तो अब 2% और 50 लाख, विच एवर इज हायर कर दिया इन्होंने इसको। अब मुझे बताओ इसका हमारे FR के क्वेश्चंस के साथ क्या लेने देना, बताओ। तो जब तक आपका इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है तब तक आप इतनी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप मान लो 10 करोड़ रुपए का आपका खर्चा है तो 10 करोड़ का आप मान लो 2% 20 लाख रुपए बनते हैं, तो 20 लाख और 50 लाख विच एवरेज हायर, 50 लाख रुपए आप ले लो। 50 लाख रुपए की लिमिट दे दी आपको इन्होंने, पहले लोअर था अब हायर हो गया, ये अमेंडमेंट आई है सर। पहली अमेंडमेंट, अगर कोई CSR अनस्पेंट अकाउंट में कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कमेटी बनाओ। फिर कोई रूल इन्होंने ओमिट किया है वो हमें पता नहीं क्या चीज़ है जी। फिर कुछ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को इंक्लूड किया है जिसमें मंदिर, हॉस्पिटल, एजुकेशनल और चैरिटेबल सब इंक्लूड कर लिया इन्होंने। जब तक कोई इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है आपका तब तक आप खर्चा कितना डाल सकते हैं वो लिमिट चेंज हुई है। ये आपका FR से रिलेटेड नहीं है, आप इनफैक्ट देखेंगे तो कोई भी अमेंडमेंट आपकी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। और अब इन्होंने बात की है ई फॉर्म की, तो ई फॉर्म तो आपको पता है वैसे ही रेलेवेंट नहीं है, इसको छोड़ो। कोई ई फॉर्म के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चेंज हुए हैं। अब सर ये तो प्रोसीजरल बातें हो गई ना लॉ के अंदर, हम तो FR में सिर्फ एक गाइडेंस नोट पढ़ते हैं CSR के ऊपर, एक चैप्टर है हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो हम अकाउंटिंग के पॉइंट व्यू से पढ़ते हैं, ये ई फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट्स का पॉइंट है जी इसके अंदर। और कुल मिला के बात ये है, इंड एस का अमेंडमेंट बिल्कुल रेलिवेंट है लेकिन वो डिस्कस किया हुआ है पुरानी RTP में, वो रीप्रिंट हो गया। और CSR को आप इतना इंपॉर्टेंट मत मानो, ये लॉ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, FR में इसकी सिग्निफिकेंस बहुत कम है। ठीक है जी, RTP डन है आपकी, सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम्स। MTP आएंगे तो MTP भी आपको रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, एक रेफरेंस दे दूंगा उसके भी, जैसे हर बार देता हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।